अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में ली तोंग नॉवल लिख रही थी। नॉवल वर्ल्ड का मेन लीड है प्रेसिडेंट गो यी चेन। उसका असिस्टेंट आके बताता है कि आपकी वाइफ शीकी की डेथ हो गई और उसका बच्चा भी नहीं बच पाया। गो यी चेन भाग के आता है और शीकी को देख हैरान, किसने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, ये मर कैसे सकती है। फिर ली तोंग आगे लिखती है, गो यी चेन ने शीकी को मरा हुआ समझा था बट वो तो जिंदा निकली और वो भी उसके फ्रेंड के साथ। यी चेन जैसे शीकी का हाथ पकड़ने लगा था, उसका फ्रेंड उसे धक्का मार के शीकी को अपने साथ ले जाता है। तो गो यी चेन ने खुद से प्रॉमिस कर लिया, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं शीकी को फिर से अपने प्यार में डाल के रहूंगा। ली तोंग कहती है, क्या इतना मेलोड्रामा बहुत है। तभी उसके एडिटर का कॉल आता है कि तुम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड्स बनाओ, तभी ड्रामा के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ली तोंग कहती है, मैं और नहीं बना सकती, मैं कई रातों से सोई नहीं हूँ, लगता है कोलैप्स करने वाली हूँ, और वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती है तो खुद को देख के एकदम हैरान थी। तभी एक लड़का हाथ आगे करता है तो एकदम हैरान, कितना हैंडसम लड़का, कौन है ये, सपना तो नहीं हो सकता, क्या मैं मर गई हूँ, मैंने तो अभी नॉवल पूरा नहीं लिखा। हैंग कहता है, मेरे साथ चलो। तो कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और भागती हुई एक लड़के से टकरा जाती है। रान, क्या ये एंजल है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो गॉड को पकड़ा देगा, और फिर भाग लेती है। रास्ते में एक लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें पता है यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, हम दोनों मर चुके हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर लूजिंग उसे साइको समझ के इग्नोर कर देता है। तभी उसे एक बच्चा मिलता है जो ली तोंग को बताता है कि ये हेवन नहीं नॉवल वर्ल्ड है, तुम अभी मरी नहीं हो और नॉवल वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए तुम्हें मिशन कंप्लीट करना होगा। ली तोंग कहती है, तो मुझे सपोर्टिंग रोल में रह के मेल लीड्स की हेल्प करनी है। वो बच्चा कहता, नहीं, तुमने जो प्रेसिडेंट से लिटिल वाइफ वाला नॉवल लिखा था, ये वही नॉवल वर्ल्ड है जिसका मेल लीड है गो यी चेन, शहर का सबसे रिच आदमी, और तुम उसकी फियांसे। ली तोंग हैरान, तो मैं उसकी फियांसे चूजी हूँ जो स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर में ही गायब हो गई थी। वो कहता है, सही कहा, गो यी चेन को किसी ने नशा दे दिया था, और वहीं पर शीकी जो पार्ट टाइम वेटर्स की जॉब करती है वो इतनी काइंड है कि उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकी और उसकी हेल्प की। ली तोंग कहती है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या हुआ था, ये बताओ मुझे यहाँ पे करना है। वो कहता है, एंगेजमेंट वाले दिन गो यी चेन ने चूजी को बुरी तरह से डंप कर दिया था और वो इस सदमे से बच नहीं पाई, बट इस सबकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो, तो इसलिए तुम्हारा मिशन है कि इस वर्ल्ड में प्यार में पढ़ना। तो वो सोचती है, रियल वर्ल्ड में भी तो ऑफन हूँ, बट इस वर्ल्ड में तो मेरे मॉम डैड भी हैं और काफी रिच भी हूँ मैं, अगर मैं हमेशा के लिए नॉवल वर्ल्ड में रह जाऊँ तो मिशन की फिक्र किसे है। और खुशी से भाग पड़ती है। तो रास्ते में एक वेटर्स लड़की से पूछती है, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तभी उस होटल में गो यी चेन की एंट्री होती है, सामने से चूजी भाग के आ रही थी, भागती उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे देखती रह गई थी, ये तो नॉवल वर्ल्ड का फिक्शनल करेक्टर है। गो यी चेन कहता है, असिस्टेंट, जरूर ये लड़की मेरे फैन होगी, ऑटोग्राफ देकर भगाओ इसे, आज मेरी एंगेजमेंट है, मुझे लड़कियों से दूर रहना है। असिस्टेंट बताता है कि यही आपकी फियांसे चूजी है। चूजी सोचती है, मैं प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ सकती, और भागने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है, कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है, मैं एंगेजमेंट से भाग रही हूँ, बट वो उसका हाथ कसके पकड़ लेता है, अपनी बाहों में गिरा लिया था। चूजी सोचती है, कहीं ये वही सीन तो नहीं जिसमें मेल लीड मुझे किस करेगा, नो वे, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। जैसे उसका किस होने वाला था उसे थप्पड़ मार देती है बट खुद दीवार पर ठुक के बेहोश। गो यी चेन कहता है, मेरी फियांसे कुछ नहीं हो सकता। जैसे चूजी की आईज खुलती है उसके मॉम डैड बैठे थे, अब तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम एंगेजमेंट रीशेड्यूल कर देंगे। चूजी कहती है, पर मुझे शादी नहीं करनी। और सोचती है, मुझे लगा था सिर्फ गो यी चेन को संभालना है, पर उसके अलावा भी तीन है। इनफैक्ट नॉवल वर्ल्ड के स्टाफ मेंबर यानी उस बच्चे ने जो अपना कभी भी रूप बदल सकता है बताया था कि फर्स्ट कैंडिडेट गो यी चेन गुशी ग्रुप का प्रेसिडेंट, सेकंड कैंडिडेट गुशी ग्रुप का चीफ डिजाइनर लूजिंग, थर्ड कैंडिडेट जोंगकी गुशी ग्रुप का एम्प्लॉय और गर्ल्स के बीच में काफी फेमस है, फोर्थ कैंडिडेट हैंग तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड। जैसे तुम इन चारों में से किसी से प्यार करने के बाद उसे आई लव यू बोलोगी, तुम रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती हो, तुम्हें 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। वो सोचती है, अगर मैं एंगेजमेंट तोड़ दूं, गो यी चेन तो वैसे ही आउट हो गया। तभी गो यी चेन आ रहा था, असिस्टेंट कहता है, हो सकता है कि मिस चूजी आपसे मिलना ना चाहती हो। तो गो यी चेन कहता है, तुम्हारा मतलब कि इस दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं जो मुझे रिजेक्ट करेंगी। असिस्टेंट कहता है, पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि आपको किस करने के बजाय उसे दीवार पर ठुकना ज्यादा बेहतर लगा। घूरता है तो कहता है, मेरा मतलब कि आपको वो बहुत ज्यादा लव करती है, आप उसके लिए गॉड जैसे हो। गो यी चेन कहता है,
मैंने बोल दिया ना, वो मेरी फियांसे है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो गिफ्ट लेके अंदर जाने लगा था, तभी अंदर से आवाज आती है। चूजी बोल रही थी कि मॉम डैड आपको पता नहीं है, गुईचन एक नंबर का खड़ूस है, वो बिल्कुल भी मेरे लिए सुटेबल नहीं है। गुईचन हैरान, उसने मुझे खड़ूस बोला? मॉम डैड कहते हैं तो हम तेरी उसे एंगेजमेंट तोड़ देंगे। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ देगा। मॉम डैड पूछते हैं क्यों, तो कहती है क्योंकि वो किसी और को ट्रू लव करता है। असिस्टेंट हैरान, बॉस आप चीट करोगे? तो वो सब हैरान कि वो तुम पे चीट करेगा। चूजी कहती है ऐसा नहीं है, ये उसकी किस्मत है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। तभी गुएशन आता है, पर मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मॉम डैड उसपे गुस्सा करने लगे थे कि तू हमारी बेटी को धोखा दे रहा है। असिस्टेंट उन्हें रोक रहा था। चूजी उन्हें शांत करके बाहर भेजती है और जैसे गेट बंद करती है उसे देख के उसका सिर ठुकने वाला था, बट वो हाथ बीच में कर देता है। क्या तुम फिर से भागना चाहती हो? वो बीच में से निकल के कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम होटल में किसी लड़की से नहीं मिले? वो हाँ करता है तो कहती है मुझे पता है वो तुम्हारा फर्स्ट लव है ना, मुझे तुम्हारे एंगेजमेंट तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कहता है तुम्हारा मतलब तुम मेरा फर्स्ट लव हो? हैरान, तुम सिर्फ मुझसे मिले थे, तुम्हें किसी ने नशा नहीं दिया? वो उसके क्लोज होने लगा था, क्या तुम मुझे नशा देने वाली थी? कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती और शादी भी नहीं करना चाहती, नशा क्यों दूंगी। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो हाथ छुड़ाने लगी थी और एक्सीडेंटली उसे लेकर बेड पे गिर जाती है। वो इतना क्लोज था कि गुईचन स्माइल कर रहा था तो उसकी मुंडी पकड़ के दूसरी तरफ कर देती है। वो कहता है तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, अगर तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए सब कर रही हो तो तुम कामयाब हुई। वो कहती है क्या सक्सेसफुल हुई, मैं एकदम फेलियर निकली। गुईचन उसे क्लोज कर कहता है चलो शर्त लगाते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। पर चूजी उसके हाथ पे काट लेती है। हंसने लगा था तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, कोई मुझे सेकंड टाइम पे रिफ्यूज नहीं कर सकता, मैं कल तक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लूंगा। कहती है तुम जा रहे हो तो स्माइल करने लगा था, क्या हुआ मुझसे प्यार होने लगा है? बट वो उसे पकड़ के गेट के बाहर कर देती है। गुईचन असिस्टेंट से कहता है लव कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। चूजी देखती है कि इधर कोई लड़का उसे मिलने आया है तो गेट बंद कर देती है। ये तो वही है ना जो होटल में मिला था, एक गया नहीं कि दूसरा पहले आ गया, मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना। उसकी बातें सुन मॉम कहती है लगता है एंगेजमेंट का इस पे गहरा असर हुआ है, हैंग मैं इसे तुम पे छोड़ती हूँ। हैंग उसे अपने साथ ला रहा था तो कहती है मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है तो तुम चले जाओ। वो कहता है ओके, तो सोचती है ये कितना काइंड और जेंटल है, बट इस टाइप के लड़कों से एकदम से प्यार हो जाता है इसलिए मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। पर जैसे गेट खोलती है अंदर बहुत सारे लड़के बैठे थे। कहती है क्या मैं गलत रूम में आ गई हूँ, इतने सारे लड़के यहाँ पे क्यों है? हैंग कहता है तुम्हारी मॉम ने बोला था तुम्हें हॉट लड़के पसंद है इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज करवाए हैं, इनसे तुम ब्रेकअप से ओवर हो पाओगी। चूजी कहती है पागल हो गया है, चल यहाँ से। उसे टकराने लगा था तो दूर हो जाती है, मुझसे 10 कदम दूर ही रहना तुम। और गुस्से से जाने लगी थी। हैंग कहता है पर तुमने तो कहा था तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है। वो कहती है पसंद थे पर अभी नहीं। आता की कर लेती है। वो पूछता है तुम अपना फेस कवर क्यों कर रही हो? तो कहती है किससे बचने के लिए। वो क्लोज होकर सुनने लगा था क्या बोला, बट उसे धक्का मार देती है, हर चीज के लिए रेडी रहती हूँ, यहाँ कोई रोमांटिक सीन नहीं बनने दूंगी। वो कहता है अगर तुम गिर भी गई तो मैं पकड़ लूंगा। तो कहती है इसी बात का तो डर है, अगर मैं गलती से गिर गई और तुमने मुझे पकड़ लिया फिर क्लोज होने पे स्लो मोशन में आई कांटेक्ट होगा और फिर। हैंग कहता है तुम इतना सब कुछ इमेजिन क्यों कर रही हो? चूजी कहती है इसलिए तो बोल रही हूँ, अब से तुम्हें 10 स्टेप मुझसे दूर रहना पड़ेगा। और ग्लास उतारने लगी थी जो ऊपर रखा होने की वजह से उसका हाथ नहीं पहुंचता, तभी वो उसके क्लोज होकर ग्लास उतारने में उसकी हेल्प करने लगा था। उसे देखती रह जाती है और धक्का मार देती है, मैं खुद उतार लूंगी तुम दूर हटो, और टेबल ला के रखती है। जैसे उस पे चढ़ के ग्लास उतारने लगी थी पैर मुड़ने से गिरने वाली थी, हैंग उसे पकड़ लेता है। चूजी कहती है कितना मेलो ड्रामा हो रहा है, अब कौन मेरी यहाँ हेल्प करेगा, रुक जाओ मुझे चक्कर आ रहे हैं। जैसे वो छोड़ता है चूजी का सिर घूमने से उसके हाथ पे ग्लास लग गया था और हैंग उसका एकदम से हाथ पकड़ के फूक मारने लगा था, बट उसके मुंह पे हाथ रख के उसे धक्का मार देती है। ये तो बहुत डेंजरस है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। मॉम ये देख कहती है उस गुईचन ने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पे भेज देती है और वो लड़की की शक्ल बिल्कुल भी उसके फोटो से मैच नहीं करती और कहता है मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें हाउसवाइफ बनना होगा और कम से कम 3-4 बच्चे तो देने पड़ेंगे, तुम दिखने में तो ज्यादा सुंदर हो नहीं हो। वो कहती है जब हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते तो अपने पेरेंट्स को बता के छुट्टी करते हैं। वो कहता है पर मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे डिजाइनर लूसिंग बैठा था, छुट के आता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्लाइंड डेट वाला कहता है तुम इसे जानती हो, अपने फियांसे यानी मेरे सामने चीटिंग कर रही हो। चूजी कहती है कौन फियांसे है और तुम कौन हो? अच्छा डिजाइनर लूजिंग हो? ब्लाइंड डेट वाला उस पानी फेंक के मारने वाला था बट वो रोक के कहती है
अबे सबसे बड़ा झूठा तो तू ही है। एक नंबर का स्कम बैग आया मुझे रिजेक्ट करने वाला, मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ, भाग यहाँ से। वो लड़का रोता हुआ भाग जाता है। लूजिंग स्माइल करता हुआ कहता है, तू मुझे जानती हो? तो कहती है, नहीं और जानना भी नहीं है। चली जाती है। वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का पिट के उसके घर आया था। तो कहती है, अब क्या करने आए हो? तभी वहाँ पे गुइशन आता है। असिस्टेंट, तूने अभी तक इसका मामला सुलटाया नहीं है। तो असिस्टेंट फिर से उसे पकड़ के ले जाता है पीटने के लिए। उसे रोक के कहती है, तुम ही आके करने आए हो, मुझसे दूर रहो, और धक्का मार देती है। गुइशन उसे लव कॉन्टेक्ट दिखाता है। अगर 3 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो साइन कर दो। चूसी कहती है, मैं बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। नॉवल में जब करेक्टर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो पक्का ही उन्हें प्यार हो जाता है। पहली बता रही हूँ, तुम्हारा ट्रू लव किसी और के लिए है। प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। गुइशन कहता है, तो तुम साइन नहीं करोगी? तो ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, जो भी लड़का तुम्हारे करीब आएगा उसका वही हाल होगा जो इस ब्लाइंडेड वाले का हुआ था। चूसी कहती है, सच में? फिर तो बढ़िया है। गुइशन कहता है, पर तुम्हें अपनी फैमिली की तो फिक्र है ना, क्या अब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी? चूसी कहती है, अगर मुझे 3 महीने में लव नहीं हुआ तो तुम मुझे जाने दोगे? ठीक है, तो मुझे 1 हफ्ता सोचने के लिए दो। गुइशन कहता है, सिर्फ 7 सेकंड। वो हैरान, सिर्फ 7 सेकंड? कहता है, तुम और कंडीशन ऐड कर सकती हो? तो कहती है, ओके, अगर 3 मंथ में तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल गया तभी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। गुइशन हाँ कर देता है, तो वो भी साइन कर देती है। तो वो स्माइल करता हुआ कहता है, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। चूसी कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी माई फुट? तो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी और सोल तीनों चाहिए। चूसी कहती है, पक्का फोर्स नहीं करोगे? पिंकी प्रॉमिस? वो भी प्रॉमिस कर देता है। और फिर कहती है, उसका भरोसा नहीं है, कहीं जबरदस्ती करने लग जाए, मुझे जल्दी से फीमेल लीड शीकी को ढूंढना होगा। और एक जगह आती है, शीकी यही मिलनी चाहिए। क्या मैं यहाँ फिर से खो गई? और हैंड से टकराती है, जो उसे बाहों में पकड़ लेता है। तो कहती है, फिर से एक लड़का उसे धक्का मार के भागने लगी थी। तो एक लड़की को रेस्टोरेंट की तरफ जाते देखती है। तभी उसे याद आता है कि उसने नॉवल में लिखा था, नॉवल की विलन किंग रेस्टोरेंट में शीकी से मिलने गई है, क्योंकि वो जानना चाहती है गुइशन को उसमें क्या पसंद आया, और वो शीकी की फ्रेंड बनने का नाटक करेगी। तो सोचती है, कोई बात नहीं, गुइशन उसे बचाने पक्का आ जाएगा। पर मेरी वजह से कहानी में गड़बड़ हो गई है, अगर वो नहीं आया तो? हैंक पूछता है, क्या हुआ? तो हैंक से पूछती है, क्या तुम्हें फाइट आती है? और फिर हैंक के साथ उनका पीछा करती है, और वो देखती है कि कुछ आदमी एक लड़की को लेके जा रहे रेस्टोरेंट की तरफ। तो सोचती है, गुइशन पक्का इसे बचा लेगा, पर मेरी वजह से कहानी में गड़बड़ हो गई, कहीं वो बचाने नहीं आया तो? उनमें से एक आदमी किंग को अंदर ले जाता है ड्रिंक करने के लिए। बाहर बॉडीगार्ड्स बातें कर रहे थे कि उसने ड्रिंक में नशा मिलाया है, और यहाँ के सिक्योरिटी कैमरास भी बंद कर दिए। चूसी सोचती है, अभी तक गुइशन क्यों नहीं आया? बट वो तो उसके पीछे खड़ा देख रहा था असिस्टेंट के साथ। जैसे किंग ड्रिंक करने वाली थी, वहाँ पे एक लड़की आती है, लगता है नशे में मैं गलत रूम में आ गई। वो आदमी कहता है, किंग तुम वेट करो, मैं इसे इसके रूम तक छोड़ के आता हूँ, और उसे पकड़ के ले जाता हुआ उसके पिछवाड़े को टच कर रहा था। पता चलता है कि ये लड़की नहीं, लड़का है हैंग, जिसे चूसी ने लड़की बना के भेज दिया ताकि वो उस गुंडे का ध्यान भटका सके। वो किंग को यहाँ से भगा के ले जाए। उसके जाते वो भाग के अंदर आती है, इसे ड्रिंक मत करना, इसमें नशा है, और उसे पकड़ के भगा के लेके जाने लगी थी। वो उन्हें देख न ले, इसलिए गुइशन असिस्टेंट को लेके छुप गया था, और कहता है, ये तो सच में बहुत ब्रेव है। जैसे वो बाहर आती है, वहाँ पे हैंग भी आ गया था, तो एकदम हैरान, क्या तुमने उसे अकेले फाइट नहीं की, उसके बॉडीगार्ड्स भी थे? हैंग कहता है, चिंता मत करो, ये मेरा ब्लड नहीं है। वो आदमी पिट के आया था और अपने बॉडीगार्ड्स को मारता है, तुम लोगों की वजह से मेरी ही हालत हो गई, सीसीटीवी में पता करो किसने मुझे पिटवाया है, मैं उसे जीने दूंगा। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, बॉस आपने कैमरास बंद करने को कहा था। तो कहता है, फिर उसके बारे में पता करो जो लड़का लड़की बन के आया था। किंग हैंडशेक करके चूसी का थैंक यू करती है। चूसी सोचती है, गुइशन ने किंग को बचाया था, तभी उसे गुइशन से फर्स्ट साइट लव हो गया था, पर जब उसे पता चला गुइशन की गर्लफ्रेंड है तभी से वो बुरी बनी। बट अभी तो गुइशन ने नहीं, मैंने किंग को बचाया है, तो लव स्टोरी बन सकती है। पर अभी से गुइशन ने नहीं बचाया तो ये मेन मेल लीड की लव स्टोरी में डिस्टर्ब नहीं करेगी, और क्या पता इसे हैंग से प्यार हो जाए, एक तीर से दो निशाने। और उसे उसके क्लोज कर कहती है, हैंग ने तुम्हें बचाया है, तुम्हें बचाते टाइम जख्मी भी हो गया, कितना अच्छा लड़का है ना। किंग पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, गुइशन भी उसकी बातें सुन रहा था। बाय करती हुई किंग को हैंग के साथ भेज देती है। अब ये दोनों थोड़ा टाइम क्लोज रहेंगे तो पक्का इनमें प्यार हो जाएगा। वो दोनों तो काफी दूर होके बैठे थे, अभी गुइशन आता है, तुम उस हैंग से दूर रहो, मैंने कहा था ना दूसरे लड़कों से तुम्हें दूर रहना है। उसी कहती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मुझे किसी और से प्यार हो जाएगा, तुम्हें खुद पे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको हाथ हटा के जाने लगी थी। वो कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, गुइशन, किसी की हिम्मत नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन सके। असिस्टेंट कहता है,
बॉस आप बहुत हैंडसम हो, क्या अब आप में कॉन्फिडेंस आया? वो कहता है, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और चला जाता है। चूजी आके बेड पे लेट जाती है। मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? नहीं तो। तभी उसे गुलशन का मैसेज आता है, मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। वो कहती है, अरे नहीं, मैं शीके से मिलना तो भूल ही गई। नेक्स्ट डे गुलशन उसे अपने साथ गोशी ग्रुप में लाता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आज के शेड्यूल में आपकी मिस चूजी के साथ कोई भी डेट नहीं है, क्या मैं रात की डेट अरेंज कर दूं? वो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आज डेट पर ही हूँ। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लड़के कौन से होते हैं? जो अपना काम सीरियसली करें। चूजी सोचती है, पता नहीं इस खड़ूस के दिमाग में क्या चलता रहता है। तभी उसका ऑफिस देखती है तो उसे याद आता है कि उसने स्क्रिप्ट में लिखा था, गुइचन शिकी को अपने ऑफिस में रख लेगा, जैसे वो उसे टी देने आएगी एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाएगी तो गुइचन उसका हाथ पक्के कहेगा, मुझे नहीं पता था तुम्हें ऑफिस में चाहिए, और दोनों वहीं रोमांस स्टार्ट कर देते हैं, और दोनों वहीं रोमांस स्टार्ट कर देंगे। कहती, नहीं मुझे जल्दी करनी होगी, मैं फिर से किसी और लड़के से ना मिल जाऊं। तभी उसे एक लड़का मिल जाता है, जोंगी, जो उसे हेलो कर रहा था। वो उसे रूडली बात करती है तो कहता है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? तुमने तो पिछली बार मुझे गुड लुकिंग बोला था कि मैं एंजल जैसा दिखता हूँ। चूजी कहती है, अच्छा वो तुम थे, मैं भूल गई, तुम तो बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? तनी दोबारा मुझे मौका मिले या ना मिले। जोंगी शर्माने लगा था तो सोचती है, मुझे अच्छे से पता है जो तुम्हारी चापलूसी करे वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी तारीफ करूंगी तो तुम्हें मुझ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और उसके साथ सेल्फी लेकर चली जाती है। जोंगी जो अब तक स्माइल कर रहा था एकदम से एक्सप्रेशन चेंज कर कहता है, ये भी बाकी बोरिंग लड़कियों जैसी है। असिस्टेंट चूजी को गुइयन के ऑफिस में बिठा देता है। गुइयन स्माइल करता हुआ कहता है, मुझे टी ला कर दो। वो कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। गुइशन कहता है, मैंने कभी किसी को टी सर्व नहीं की, तुम पहली हो। बट वो उसे रोक के कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी, कोई जरूरत नहीं है। बट वो उसका हाथ हटाकर कहता है, कोई मेरे फैसले को रोक नहीं सकता, और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से टी पकड़ा देता है। उसके क्लोज होता है तो वो ब्लश करने लगी थी, एकदम से धक्का मार देती है। बट देखती है उसकी स्कर्ट फट गई तो गुइशन उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। चेंजिंग रूम में कपड़े रखे हैं, तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चूजी आकर देखती है डिजाइनिंग रूम, इसमें तो बहुत मस्त मस्त कपड़े होंगे, और एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के आती है। इसमें तो मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, किसी दिन फैशन ब्लॉगर बन जाऊंगी। तभी वहाँ पर लूसिंग आ गया था जो उसे देखते रह गया था। सोचती है, कहीं से मुझे प्यार ना हो जाए, और जानबूझ के उस ड्रेस में सीजर चला देती है। बट लूसिंग गुस्सा करने के बजाय इम्प्रेस होके उसका डिजाइन बनाने लगा था तो कहती है, अब ये मत बोलना कि तुम इंस्पायर हो गए हो, कि तुम्हें ये स्टाइल पसंद आया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट गुइशन को आगे बताता है कि प्लैगरिज्म का आरोप लगा है तो गुइशन कहता है, लूसिंग मुझसे अकेले में बात करने चलो, और तुम चूजी वेट करना। बट वो कहती है, मुझे तो शिकी को ढूंढना है। जैसे चूजी भागने के लिए गेट खोलती है, वहाँ लूसिंग आ गया था जो उसे बाहर जाने से रोक रहा था, तो कहती है, मुझे भूख लगी है, और उसे जानबूझ के अपने साथ स्ट्रीट फूड खिलाने ले आई थी। तो सोचती है, ये लूसिंग एक नंबर का क्लीन फ्रीक है, ऐसी जगह पर मेरे साथ आकर पक्का ही मेरा पीछे छोड़ देगा। लूसिंग कहता है, ऐसी जगह पर इंसान खाना कैसे खा सकते हैं? तो कहती है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो चले जाओ। जैसे शॉपकीपर खाना देने आता है, लूसिंग को बदबू आने लगी थी कि ऐसा खाना खाकर तो इंसान बीमार हो जाएगा। शॉपकीपर उसके मार के कहता है, हम साफ सफाई से बनाते हैं। तो वहां बैठे सब लोग जो खा रहे थे उसे घूरने लगते हैं, और वो उनसे सॉरी बोलती है, तुम चुप नहीं रह सकते, और फिर उसके मेडिसिन लगाने लगी थी। वो उसे देखने लग गया था तो एकदम धक्का मार देती है। वहीं भी एक आदमी अपनी बेटी से जबरदस्ती पैसे छीन रहा था, वरना तुझे मैं बहुत मारूंगा, और लोग भीड़ लगा लेते हैं। चूजी उसे देख स्माइल करती है, यही तो नॉवल की फीमेल लीड है शिकी, और नीचे पड़े एक डिजाइन उठाकर कहती है, वाओ ये लड़की तो बहुत अच्छे डिजाइन बनाती है, इतनी टैलेंटेड है, बेचारे की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पर अगर कोई इसकी हेल्प करना चाहे तो गुशी ग्रुप को एक न्यू डिजाइनर मिल जाएगा। लूसी इग्नोर कर जाने लगा था तो उसे रोक के कहती है, तुम जाकर उसकी हेल्प करो ना, क्या उसे पिटता हुआ छोड़ के चले जाओगे? लूसिंग कहता है, मैं उसकी एक बार हेल्प कर सकता हूँ, लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना बचाता रहूंगा। तो चूजी खुद जाकर शिकी को उसके बाप से बचाने लगती है। कैसे बाप हो तुम, अपनी बेटी को अब्यूज कर रहे हो, तो उसकी अच्छाई है फिर भी तुम्हारे साथ रह रही है और तुम्हें पैसे दे रही है। उसका बाप गुस्से से उसके मारने लगा था तो लूसिंग उसे एक चपेट में जमीन पर पटक देता है तो वो भाग जाता है। चूजी से डिजाइन देकर कहती है, तुम्हारा है? शिकी कहती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं। नेक्स्ट डे चूजी उसे गुशी ग्रुप में ले आई थी, तुम्हें मुझे रिपेयर करना है ना, तो तुम यहाँ पे काम कर सकती हो। शिकी कहती है, गुशी ग्रुप मुझे नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ। तो कहती है, क्यों नहीं डिजर्व करती, तुम एक फ्यूचर डिजाइनर हो, तुम्हारे हैंड्स डिजाइन के लिए ही बने हैं। और गुइचन के आते उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ तुम इसे गुशी ग्रुप में रख लो। तो सोचती है, लगता है शिकी को फर्स्ट साइट में गुइचन से लव हो गया।
इनका मामला तो सुलट गया। गुजिन कहता है, पर मुझे मंजूर नहीं। वो हैरान, तुम मना क्यों कर रहे हो? तो कहता है, तुम जानबूझ के लड़की लेके आई हो ताकि मुझे इससे प्यार हो जाए और मैं शर्त हार जाऊं। चूसी कहती है, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, तुम्हारे थोपड़े से पता चल रहा है। और उसे खींच के ऑफिस में ले आया था। सोफे पे गिरा के कहता है, तुम मेरे खिलाफ ये सब साजिश कर रही हो? चूसी कहती है, और तुम मेरे से जबरदस्ती कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वो गुस्से से छोड़ देता है। क्या तुम इतनी जल्दी है मुझे किसी और लड़की को देने में? चूसी कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे ट्रू लव ढूंढने में हेल्प करूंगी, वही तुम्हारी डेस्टिनी वाइफ है। वो कहता है, इम्पॉसिबल। तो कहती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? ऐसा करके तुम मुझसे शर्त हार जाओगे? गुइचिन कहता है, हारना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो कहती है, ओके तो मैं लूजिंग की हेल्प ले लूंगी, वो शिकी को गुशी ग्रुप में जॉब दिला देगा। चलने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, ओके मुझे मंजूर है, पर एक कंडीशन कि तुम्हें भी गुशी ग्रुप में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो जॉब पे आती है। कोई बात नहीं, मैं काम करते करते भी इन दोनों को क्लोज ला सकती हूँ, बस 3 महीनों की बात है, उसके बाद मैं मजे करूंगी। तभी जोंगी कुछ लेके आता है। क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। और फिर लूजिंग भी आता है, चलो कुछ काम की बात करते हैं। तभी गुइशन आ जाता है, मेरे ऑफिस में आओ जरा। और तो और उसे हैंग का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हें काम से पिकअप करने आ जाऊंगा। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि चारों मेरे पीछे क्यों पड़ गए। और फिर छत पे आती है, बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया है, ये कितने अनोइंग है। इतने में लूजिंग आ जाता है, मुझे लगा था तुम इंजॉय कर रही हो। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है, शांति ढूंढने आया था पर यहाँ भी शोर आ रहा है। और तुम? वो कहती है, मैं भी शांति के लिए आई थी पर प्रॉब्लम खुद ही चल के आ गई। फिर लूजिंग उसे पूछने लगा था, क्या तुम्हें जोंगी में इंटरेस्ट है? इनफैक्ट उसने उसे उसके साथ सेल्फी लेते देख लिया था। तो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानबूझ के नाटक कर रही थी क्योंकि उसे तारीफ करने वाले पसंद नहीं है, तभी उसे छुटकारा पा पाऊंगी। बट जोंगी उसकी बातें सुन लेता है, तो तुम नाटक कर रही थी, फिर तो हम जरूर फ्यूचर में मिलते रहेंगे। लूजिंग कहता है, तुम सिर्फ उसे नहीं मुझसे भी दूर जाना चाहती हो। मैंने डिसाइड किया है तुम मेरे लिए काम करोगी, अब मेरी असिस्टेंट बनकर। चूसी कहती है, तुम पागल हो गए हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है। चूसी कहती है, मेरे पीछे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी असिस्टेंट ढूंढ रखी है, शिकी। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को बिठा के रख लूंगा? चूसी कहती है, बाद में मिलेंगे, मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं रह सकती, काफी डेंजरस जोन है। और भाग जाती है। और शिकी से पूछती है, तुम्हें सफाई करने को किसने कहा? गुइशन ने तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं बनाया? शिकी कहती, कोई बात नहीं, मुझे तो क्लीनिंग करने की आदत है। वो सोचती है, टॉयलेट क्लीन करना, लगता है स्टोरी पटरी पे आ रही है। और भाग कर से छुप के देखने लगी थी, पक्का गुइशन आकर शिकी की हेल्प करेगा। तभी वहाँ पर गुइशन आता है, जल्दी से हीरोइन को बचाओ, बट वो उसे इग्नोर कर जाने लगा था। तो कहती है, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? वो कहता है, तुम चाहती हो मैं उसके टॉयलेट क्लीन करने में हेल्प करूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है, तुमने उसे डिजाइनर के लिए रखा है तो क्या उसे ऐसा काम करने दोगे? गुइशन कहता है, उसे मैं नहीं तुम लेके आई थी। तो वो गुस्से से भगा देती है, ये तो किसी काम का नहीं निकला, लग रहा दूसरा हीरो आके बचाएगा। गुइशन कहता है, ये लड़की मुझे डांट रही है, किसी ने आज तक मुझे डांटने की हिम्मत नहीं की। वहाँ पर लूजिंग आ रहा था तो सोचती है, सेकंड मेन लीड आ गया, ये तो पक्का हीरोइन को बचाएगा, बट वो भी उसे इग्नोर कर जाने लगा था। कहती है, सबके सब यूजलेस निकले। रुको, क्या तुम उसे ऐसे बुली होने दोगे? लूजिंग कहता है, मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये खुद ही खुद को बुली क्यों होने दे रही है? बट वो उसे गुस्से से भगा देती है, तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगी। शिकी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ डिजाइनिंग करने आई हो, टॉयलेट क्लीन करने नहीं। पकड़ के लेके जाने लगी थी, तभी वही एम्प्लॉयर चाहता है, कहाँ लेके जा रही उसे, अभी इसने टॉयलेट क्लीन नहीं किए। वो कहती है, चल फुटी यहाँ से। तो वो गुस्से से उसके थप्पड़ मारने वाला था, लूजिंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम एक डिजाइनर से क्लीनिंग करवा रहे हो, कैसे मैनेजर हो? मैनेजर डरता हुआ कहता है, मैं खुद ही टॉयलेट क्लीन कर देता हूँ। तभी वहाँ पे गुस्से आकर उस मैनेजर को फायर कर देता है। और चूसी को लेके जाने लगा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा हूँ। हाथ छुड़ा कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और उसे धक्का मार के शिकी को पकड़ के ले जाती है। लूजिंग कहता है, चूसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? गुइशन कहता है, तुझे बड़ी उसकी चिंता हो रही है। तो कहता है, क्योंकि मैं उसे अपने असिस्टेंट रखने वाला हूँ। गुइशन कहता है, और मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि उसे दूर ही रहना। जोंगी अपनी सिस्टर किंग को बता रहा था कि गुशी ग्रुप में एक नई लड़की आई है, उसके एक्शन और वर्ड मैच नहीं करते, लगता कोई अच्छी इंसान नहीं है पर काफी इंटरेस्टिंग है। किंग उसके मार के कहती है, मुझे लगता है तू ही अच्छा इंसान नहीं है। तभी वहाँ पे चूसी आती है तो उसे हाय हेलो करने लगी थी और बताती है कि ये मेरा भाई जोंगी है। चूसी कहती है, मुझे पहले से पता है। वो दोनों हैरान। तो कहती है, मेरा मतलब तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, दोनों के दोनों गुड लुकिंग। कहती है, मैं ऑडिशन के लिए आई थी, मुझे नहीं पता तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी। चूसी हैरान, ऑडिशन? अगर किंग गुइशन से मिली तो ये बुरी लड़की बन जाएगी। और गुइशन को आती देखती है तो किंग को खींच के ले जाती है। लूजिंग ने शिकी को चूसी के अंडर साइन कर दिया था तो शिकी उसको थैंक यू कर रही थी।
तभी वहाँ पर किंग चूजी से मिलने आ जाती है। वो सोचती है अगर फीमेल लीड की सेकंड फीमेल लीड से मुलाकात हुई, रोकने के लिए उसे पकड़ के ले जाती है। फिर शीकी को देख किंग कहती है मैंने सुना चूजी ने एक जंगली लड़की की हेल्प की थी और उसे जॉब दिलाई है, वो तुम हो ना? मैं बोल रही हूँ चूजी के आसपास भटकना बंद कर दो वरना तुझे छोड़ूंगी नहीं। शीकी कहती है क्या बोल रही हो तुम? तो कहती है अपना ड्रामा बंद कर। और तभी वहाँ पर चूजी आ गई थी, उन दोनों खाना देती है। किंग तुम बोल रही थी कि शीकी तुम्हें बहुत पसंद है, सो तुम फ्रेंडशिप करना चाहती हो? किंग कहती है ऑफ कोर्स। चूजी सोचती है मेल लीड के बिना सेकंड फीमेल लीड हीरोइन के साथ अच्छा बिहेव करती है और कहती है ये तो अच्छा है, हम तीनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हम तीनों प्रॉमिस करते हैं कभी किसी लड़के के लिए फाइट नहीं करेंगे। वो तीनों हाँ करती है। शीकी कहती है पर मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। चूजी कहती है तू जो भी है आज अपनी मेहनत की वजह से है। पर किंग ये देख के गुस्से में लग रही थी। टोंगी पूछता है तुम क्या पढ़ रही हो? तो बताती है कि मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। तुम्हें पसंद है चलो साथ में पढ़ते हैं। वो सच में उसके साथ क्लोज होकर पढ़ने लगा था तो सोचती है इसे तो लड़कियों क्लोज होना पसंद नहीं है। बट गुईचन गुस्से से देख रहा था। लूसिंग कहता है चूजी को जोंगी के साथ देख के तुम कुछ खुश नहीं लग रहे हो। गुईचन कहता है तुझे इससे क्या? तो कहता है अगर मैं तेरी इसमें हेल्प करूँ तो? और फिर उन्हें बताता है कि 2 महीने में प्रोडक्ट को लॉन्च है तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे लिए काम करो। चूजी कहती है शीकी काम करेगी सिर्फ, मैं काम नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। गुईचन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वो कहता है क्या तुम मेरी हेल्प मांग रही हो? तो कहती है तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मैंने बोला ना मुझे काम नहीं करना। शीकी मुझसे काम में कितनी अच्छी है। पर लूसिंग बोल देता है तुम नहीं आओगी तो मैं शीकी को भी नहीं रखूंगा। तो वो कहती है ओके बट एक कंडीशन, तुम ओवरटाइम नहीं करवाओगे इससे। उसे पकड़ के ले गई थी। गुईचन कहता है तुम ऐसे मेरी हेल्प कर रहे हो? लूसिंग कहता है कम से कम वो ऐसे उस जोंगी से तो दूर ही रहेगी ना। फिर जब चूची अपना काम खत्म करके जाने लगी थी तो गुईचन से टकरा जाती है। वो उसे डेट के लिए पूछता है अगर तुमने मना किया तो मैं शीकी को फायर कर दूंगा। तो चूजी अपने साथ शीकी को भी ले आई थी, तुमने ये नहीं बोला था कि किसी और को नहीं लेके आ सकते। फिर जब वो उन दोनों को साथ देखती है तो कहती है इतना स्टोरी काम कर रही है, जैसे कर्जदार शीकी से पैसे लेने आएंगे गुईचन इसे बचा लेगा और इनकी लव स्टोरी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। बट वेट ये गुईचन कहाँ चला गया? वो पक्का उसे बचा लेगा। शीकी का डैड आ गया था उसे मारने लग जाता है। तो कहती है हीरो अभी तक आया क्यों नहीं, छोड़ो उसे। और खुद ही भाग के जा उसे बचाने लगी थी। धक्का मारती है, वो पूछता है कौन हो तुम, हमारे फैमिली मैटर में मत आओ। तो कहती है बिगो डायल के रूम नंबर 33 में, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे बैठे हो। शीकी को बुली मत करना वरना मैं कर्जदारों को बचा दूंगी तुम्हारा एड्रेस। वो भाग जाता है। शीकी चूसी को हक कर लेती है, थैंक यू तुमने मुझे फिर से बचा लिया। अभी गुईचन भाग के आता है। चूसी मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई है। वो कहती है शीकी की सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी वहाँ फायर क्रैकर्स को देख स्माइल करने लगती है, क्या तुमने ये बनवाया? वो कहता है तुम्हें पसंद आया? तभी हैंग उन्हें देख लेता है। वो कहती है मुझे पसंद नहीं आया। गुईचन ये मत बोलना कि ये तुमने सरप्राइज तैयार किया है, रोमांटिक मामलों में मैं प्रोफेशनल हूँ। और जाने लगी थी वो हाथ पकड़ कहता है तुम प्रोफेशनल कैसे हो सकती हो, तुम्हें तो कभी प्यार भी नहीं हुआ, क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हें पसंद क्या है? बट वो उसके लात में मार देती है, तुम जैसे ओवरबियरिंग बॉस बस जबरदस्ती करना चाहते हो, फ्रीक कहीं के। भी हैंग उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है। चिन कहता है तुझे इससे क्या है? तो कहता है मैं इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ तो इसका बिजनेस मेरा बिजनेस है। बट गुईचन उसका कॉलर पकड़ लेता है, अच्छा होगा तू यहाँ से चला जा वरना बहुत बुरा होगा। हैंग गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। बट वो दोनों देखते हैं कि वो तो भाग गई। वो कहती है जहाँ लड़के होते हैं वही प्रॉब्लम होती है, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। पर सामने गुईचन खड़ा था और फिर हैंग भी आ जाता है। गुईचन कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसे घर छोड़ के आऊंगा। हैंग कहता है पर इसकी मॉम ने बोला है मैं इसे घर लेके आऊँ। गुईचन उसका कॉलर पकड़ लेता है, मैं किसी अजनबी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले नहीं जाने दूंगा। बट चूजी कार में बैठ के निकल ली थी। हैंग कहता है पर मैं और चूजी साथ में बड़े हुए हैं, मैं उसे तेरे साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। पर फिर से दोनों देखते हैं कि जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं वो उन्हें छोड़ के चल दी। चूजी बैठे सोच रही थी कि गुईचन और लूसिंग को शीकी से लव करना चाहिए, पर जो जो फीमेल लीड के साथ होना था वो सब मेरे साथ हो रहा है और ये खड़ूस गुईचन इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर एक बार जो हीरो हीरोइन ने एक दूसरे से बात करने छोड़ दी थी, पर किसी ने उन दोनों को अंधेरे रूम में लॉक कर दिया था और उन दोनों को फिर से प्यार हो गया था, बिल्कुल मुझे यही करना है। नेक्स्ट डे गुईचन उसे पार्टी के लिए पूछता है कि तुम मना भी कर सकती हो, बट वो कहती है मैं जरूर जाऊंगी पर एक कंडीशन पर, मैं साथ किसी और को भी लेके चलूंगी, शीकी को। वो कहता है तुम जहाँ भी जाती हो उसे को टांग के लेके जाती हो साथ में। वो कहती है हाँ करना है या नहीं करना, तो वो हाँ कर देता है। असिस्टेंट कहता है लगता है बॉस मिस चूसी को आप बहुत पसंद आने लगे हो, आपकी रात वाली फायरवर्क्स ने काम कर दिया है। वो पूछता है क्या मतलब? तो बताता है कि लड़कियां सिर्फ उसे देख के स्माइल करती हैं जिसे वो लाइक करती हैं। क्वेश्चन कहता है
तुम्हारा मतलब वो मुझे लाइक करने लगी है? मैंने कहा था ना, कोई भी लड़की मेरे चार्म को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। और फिर उसे पार्टी ड्रेस ट्राई करने के लिए लेके आता है। पहले कपड़े चेंज करो, उसके बाद तुम्हारा ब्यूटी ट्रीटमेंट होगा, हेयर स्टाइल और मेकअप। मेरी फियांसे सबसे ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सोचती है ये ड्रेसअप वाला तो ड्रामास में सबसे रोमांटिक सीन होता है। समझ गई। और कहती है शिकी के पास कोई भी ड्रेस नहीं है, पहले इसे ट्राई करने दो। शिकी मना कर रही थी बट उसे भेज देती है। वो जैसी बैठती है उसके बैठने पे गुलशन उसके पास आके बैठ जाता है, बट उसे धक्का मार के असिस्टेंट को बीच में बैठा लेती है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, उसकी तरफ देखना। वो पूछता है इसे क्या हो रहा है। असिस्टेंट कहता है लगता है शर्मा रही है। वो पूछता है तो मैं क्या करूं। असिस्टेंट कहता है आप उसकी तारीफ करना। शिकी ड्रेस पहन के आती है। चूसी कहती है अच्छी लग रही है ना वो। गुलशन कहता है पर तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कहती है एवरेज लग रही है, दोबारा चेंज करके आओ। चेंज करके आती है तो पूछती है अब कैसी लग रही है। वो तो असिस्टेंट को हटा हटा कर उसे देखे जा रहा था। चूसी बार बार शिकी से ड्रेस चेंज करवा रही थी कि ये वाली कैसी है, बट गुलशन मना करे जा रहा था। और ड्रेस चेंज कर करके शिकी बेचारी भी थक गई थी। वो कहती है गुलशन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें इसी टाइप की पसंद है। वो पूछता है ये क्या कह रही है। असिस्टेंट कहता है ये आपको टेस्ट कर रही है। गुलशन असिस्टेंट को साइड हटा कर कहता है मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना मेरी फियांसे सिर्फ तुम ही रहोगी, मैं तो किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। चिंता मत करो, तुम हारो या जीते हो मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी लूंगा। वो कहती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरी रिस्पांसिबिलिटी लेने की, और शिकी को ले जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने क्या बोला। मिस चूसी बहुत शर्मा रही थी। गुलशन कहता है लगता है मेरे कन्फेशन से वो बहुत खुश है। फिर पार्टी के लिए गुलशन रेडी हो रहा था। असिस्टेंट आके बताता है कि मिस चूसी साथी हैं, आप उन्हें पिकअप करने आए। वो कहता है वो कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी हो रही है, पर कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा उसे लेने। असिस्टेंट कहता है बॉस आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत स्पॉइल कर रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस शर्त के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर अपनी कार से उसे पिकअप करने चाहता है। चूसी तुम पहली लड़की हो जिसे मैं पर्सनली पिकअप करने आया हूँ। बट वो तो शिकी निकलती है। तुम यहाँ, चूसी कहाँ पे है। वो कहती है उसने कहा कि मैं वेट करूँ, कोई मुझे पिकअप करने आएगा। गुलशन कहता है ओके तो वेट करती रहो। वो कार लेके चला जाता है। तभी चूसी आती है, इसे चांस देना तो बिल्कुल बेकार है, और शिकी को अपने साथ पार्टी में ले आई थी। गुलशन उसके पास आने लगा था पर शिकी को देख उसे घूरता है तो वो खुद ही दूर चली जाती है। वो पूछता है तुम वहाँ पर क्यों नहीं थी। तो कहती है तुमने पहला चांस तो वेस्ट कर दिया है, आज रात लास्ट चांस है। उसके जाते वो पूछता है क्या चांस है। असिस्टेंट कहता है लगता है वो चाहती है कि आप इनिशिएटिव लो। किंग को पार्टी में देख चूसी खुश होती है, पर फिर सोचने लगी थी नॉवल की स्टोरी में तो किंग पार्टी में आई नहीं थी, कहीं किंग हीरो हीरोइन के बीच में ना आ जाए। और गुलशन को आती देखती है तो वेटर को बुला के उसे शिकी की तरफ धक्का मारती है। शिकी गिरने लगी थी पर गुलशन उसे इग्नोर करके चूसी के पास आ जाता है। तो कहती है तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ, और गुस्से से उसे पकड़ के ले जाती है। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए हैं। कहता है कौन से मौके। तो कहती है कितनी बार बताऊं, शिकी तुम्हारा ट्रू लव है, अगर तुम पहले अपने दिमाग का यूज करते तो अब तक सिंगल नहीं होते। कहता है तो तुम्हारा मतलब तुमने जो भी किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। कहती है ऑफ कोर्स। तो गुलशन गुस्से में ये शर्त हम दोनों के बीच की थी, तुम तीसरे इंसान को बीच में क्यों ला रही हो, और मुझे जबरदस्ती दूसरों पर मत थोपो। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे यूज कर सकती हो और फेंक सकती हो। बट वो भी गुस्से जाने लगी थी पर कोई उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आईज खुलती है तो वो एक अंधेरे रूम में बंद थी, जहाँ तो हीरो हीरोइन को बंद होना चाहिए था। मैं क्यों बंद हूँ, पर किसी को देख के डर जाती है, पर वो तो किंग निकलती है। पर किंग नशे में थी और रेस्ट रूम समझ के वहाँ आई थी। दोनों गेट खोलने की ट्राई करती है पर बंद था बाहर से। गुलशन उसे बाहर से आवाज लगा रहा था और कहता है ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है। तो वो बताती है कि ये नहीं खुलेगा, ये गेट तोड़वाना पड़ेगा। तभी लूजिंग फायर एक्सटेंशन ले आया था और उन दोनों को पीछे होने को बोलकर गेट तोड़ देता है। चूसी तुम ठीक तो हो ना, तुम कितने पागल हो। बट गुलशन उसका हाथ दूर कर देता है। असिस्टेंट सबको बोल दो कि कोई कहीं न जाए, पता करो ये सब किसने किया है। चूसी सोचती है वो मिस्टीरियस इंसान तो बक की तरह है, पकड़ा ही नहीं जाएगा। कहती है रात काफी हो गई है, मैं किंग को लेके जा रही हूँ। बट गुलशन उसे जबरदस्ती गोद में उठा लेता है। वो चिल्लाने लगी थी छोड़ो मुझे। कहता है यही वेट करना मैं कार लेके आया। तब तो वो हाँ कर देती है जैसे चाहता है। तो कहती है तुम्हारे साथ अकेले जाकर मुझे प्रॉब्लम में फंसना है, और जाने लगी थी पर तभी गुंडों से पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट ये वही आदमी है जिसका उसने और हैंग ने मिलके पोपट बनाया था। होटल के सीसीटीवी भले ही बंद थे पर बाहर स्ट्रीट के सीसीटीवी तो चालू थे ना। मैंने तुम्हें उस किंग के साथ भागते हुए देख लिया था, पर अब नहीं भाग पाओगी, डर लग रहा है ना। चूसी सोचती है मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे प्रॉब्लम में देख के वो हीरो गुलशन मुझे बचाने ना जाए। चलो कोई बात नहीं, गुलशन को चांस देती हूँ, मेरी लाइफ ज्यादा जरूरी है। आदमी कहता है तूने मुझसे उस लड़की को छीना था ना, अब मैं तेरे साथ ही मजे लूंगा। और उससे जबरदस्ती करने वाला था। वो चिल्लाने लगती है तभी गुलशन भाग के एक लात मार के उसे गिरा देता है।
बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे को टच करने की? चूसे तो उसे देखती रह गई थी, वो उसकी रस्सी खोलने लगता है तो वो आदमी उठ के उसके सिर पे मारने वाला था, पर चूसी उठ के उसे एक लात मार के ढेर कर देती है। उस आदमी के गुंडे आ गए थे तो वो गुलशन को लेके भागने लगी थी गुंडे उनके पीछे, पर गुलशन उसे देख रहा था कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। फिर बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो आदमी भी गुंडों को ले आया था। ऐसे वो आदमी देखता है ये मिस्टर गुलशन है, बट वो उसके थपड़े पे थपड़ा बजाने लगा था तो माफी मांगता है, पैरों में पड़ जाता है, प्लीज मुझे इस बार बख्श दो। असिस्टेंट उस आदमी की मुंडी पकड़ के ले गया था। किंग कहती है चूसी मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगी, चिकी कहती है और मैं भी। गुलशन अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहनाने लगा था मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, बट वो मना कर देती है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगा था। शिकी सोचती है इस स्टोरी की फीमेल लीड तो मैं हूँ ना, तो सब लड़कों की इस चूसी पे नजर क्यों है, मैं अपनी लाइफ वापस लेके रहूंगी। पर किंग शिकी को देख रही थी और जोंगयू को भी शिकी पे नजर रखने को बोल देती है। नेक्स्ट सीन में गुलशन चूसी को बेड पे गिरा लेता है और उसे किस करने लगा था, बट तभी चूसी डर के मारे सपने से उठ जाती है। किंग और शिकी पूछते हैं क्या हुआ, तो कहती है कुछ नहीं और सोचती है कितना डरावना सपना था, गुलशन बहुत डेंजरस है, मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट डे गुलशन लव कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था और असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है कि कोई तुम्हें छोड़ के जाने वाला हो। असिस्टेंट कहता है क्या मिस चूसी, वो कहता है मैंने कब बोला कि वो। असिस्टेंट कहता है मैं आपके साथ कितना टाइम रहा हूँ पर आपको सिर्फ अब तक मिस चूसी की चिंता हुई है इतनी, डोंट वरी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी कभी भी। तभी चूसी आके कहती है मुझे जॉब से रिजाइन करना है। गुलशन असिस्टेंट को घूरता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है गुशी ग्रुप ऐसा है कि तुम जब चाहे आ जा सकती हो। वो कहती है तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, तुमने बोला था कि अगर शिकी को इस कंपनी में जॉब दिलानी है तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं मजबूरी में आई थी। वो कहता है ओके तुम्हारी मर्जी, तो वो चली जाती है। असिस्टेंट की हंसी निकल गई थी बट वो गुस्से में, उसे मेरी परवाह हो रही थी हैं? वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी हाँ। असिस्टेंट कहता है बॉस पक्का वो किसी वजह से ऐसा कर रही है, वो प्रॉब्लम में होंगी। नेक्स्ट सीन में चूजी के साथ साथ शिकी भी जॉब से बाहर, कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था मेरे साथ तुम्हें भी वो बात फेंक देगा। चीकी कहती है कोई बात नहीं तुम्हारी वजह से मुझे गुशी ग्रुप में काम करने को मिला, थैंक यू। चूसी कहती है ना काम ना लड़के, और मजे से खाने लगती है और तभी वहाँ पर हैंग टपक पड़ता है जो उसे देख रहा था, तो कहती है ऐसे घूर के रहे हो कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या। और टिश्यू से उसका मुंह साफ करने लगा था बट हाथ पकड़ लेती है मैं खुद कर लूंगी, और सोचती है कहीं मुझे ऐसे खाते देख इससे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और फिर देखती है शिकी भाग के जा रही है तो उसके पीछे करती है तुम भाग क्यों रहे हो क्या हुआ तुम्हें, गुंडों का तो देखती है तो उसे छुपा लेती है। शिकी सोचती है बड़ी मुश्किल से खुद को हर्ट करने का मौका ढूंढा था ताकि गुलशन मुझे बचाने आ सके। चूसी कहती है डरो मत हम सेफ हैं। शिकी कहती है नहीं मेरा बैग उनके पास है, उसमें मेरी और मेरी मॉम की इकलौती फोटो है, वापस लेना ही होगा, और भाग जाती है उनके पीछे। गुंडों से घेर लेते हैं तो बैग वापस लेने लगी थी चूसी, ये सहन नहीं होता और वो उसे बचाने जाती है। जैसे गुंडे शिकी को डंडा मारने लगे थे चूसी आगे आ जाती है और डंडा उसके लग गया था, को गुस्सा आ गया था और गुंडों से फाइट करने लगा था। शिकी कहती है सॉरी मेरी गलती है। चूसी कहती है अच्छा हो तुम्हें चोट नहीं लगी, वो कहती है तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। पर चूसी बेहोश, हैंग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में असिस्टेंट पेट दर्द से चिल्ला रहा था, पर जैसे चूसी को देखता है एकदम से उठ जाता है, मुझे जल्दी से बॉस को बुलाना होगा। लूजिंग कहता है तो तू और चूसी इसलिए साथ नहीं है क्योंकि तूने जबरदस्ती उसके साथ शर्त लगाई है। कुचन कहता है मैंने जबरदस्ती नहीं की है। लूजिंग कहता है तो क्या तू उसे लव करता है, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लूजिंग कहता है फिर तो अच्छा है। बट तभी गुलशन को फोन आया था कि चूसी प्रॉब्लम में है, तो वो और लूजिंग भाग के हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर पूछता है चूसी का फैमिली मेंबर कौन है, तभी नर्स एक डेड बॉडी लेके जा रही थी तो वो दोनों से पकड़ लेते हैं चूसी, तो वो दोनों उसे चूसी समझ लेते हैं। गुलशन चिल्ला रहा था डॉक्टर से ठीक कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। असिस्टेंट देखता है कि चूसी तो मजे से झूमती हुई आ रही है, जूना देखते ही मुंह फेर के वापस चल दी थी, दर्द के मारे गिर जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस मिस चूसी एकदम ठीक है। वो दोनों देखते हैं तो वो मुझ पा रही थी, गुलशन से पहले लूजिंग जाकर उसे हक कर लेता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और गुलशन जेलस हो रहा था। ठीक ही देख रही थी इन लोगों को चूसी की कितनी चिंता है, चूसी की जगह मैं होनी चाहिए थी। फिर क्या वो सब लोग चूसी की केयर करने आ जाते हैं, गुलशन को हटाकर लूजिंग और हैंग उसे पानी देने लगे थे, बट गुलशन लूजिंग से पानी छीन लेता है और असिस्टेंट हैंग से, वो कहता है चूसी मेरी गर्लफ्रेंड है मैं इसका ध्यान रख लूंगा। लूजिंग कहता है पर कुछ टाइम पहले कोई मुझे बोल रहा था कि वो चूसी से प्यार नहीं करता। तो गुलशन लूजिंग को बाहर ले आया था, तू ये सब चूसी के आगे नहीं बोलेगा वरना वो सैड हो जाएगी। लूजिंग कहता है पर तुझे ऐसा क्यों लगता है। तभी किंग और जोंगी भाग के आते हैं, वो पूछता है तुम क्यों आए हो, बट वो उसे इग्नोर करके चूसी के रूम में चले जाते हैं। किंग को चूसी की चिंता हो रही थी कि तेरे चोट कैसे लग गई, क्या तू अब ठीक है ना। सबको देख चूसी सोचती है मैं यहाँ इनकी लव स्टोरी बनाने आई थी, यहाँ तो सब कुछ मुझ पे उल्टा हो गया।
और सब एक साथ पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। तो सब लोग मना कर देते हैं एक साथ। डॉक्टर आके कहता है, शोर जरा कम मचाओ, हॉस्पिटल में और भी पेशेंट हैं। किंग कहती है, मैं लड़की हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जोंगी कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ रुकना चाहिए। गुईशन कहता है, मैं तुम्हारा बॉस और बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लूसिंग कहता है, बॉस को कंपनी का ध्यान रखना चाहिए, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है तो मैं यहाँ रुकूंगा। हैंग कहता है, मैं अकेला घर गया तो तुम्हारी मॉम पूछेंगी तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगा। शिकी कहती है, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है तो मैं यहाँ रुकूंगी। सब वहाँ रुक रहे थे, इसलिए चूजी ब्लैंकेट में घुस जाती है और फिर सबके सब रूम में गिरे पड़े सो रहे थे। चूजी उठ के शिकी और किंग को उठाती है और अपने कपड़े लेकर वहाँ से चुपके चुपके निकलने लगी थी, पर गुईचन सोता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है, बट वो उसे हैंग के साथ सुला के चली जाती है। चूजी को जाते हुए असिस्टेंट देख लेता है, इससे पहले वो कुछ बोलता किंग उसके मुंह पे हाथ रख के भाग जाती है। चूजी उठ के कहती है, पहली बार कोई मेरा इतना ध्यान रख रहा है, पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। गुईचन उसे मिलने जा रहा था तभी लूसिंग मिल जाता है। तू कहाँ जा रहा है? तो कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। लूसिंग कहता है, हाँ फेक गर्लफ्रेंड। हैंग भी आ गया था और तो और किंग और जोंगी भी। शिकी पहले से वहाँ पे थी और सबके सब चूजी के घर पे। उन दोनों को साथ देख वो कहती है, ये दोनों कब क्लोज हो गए? किंग पूछते, तुम्हारा चूजी के साथ क्या रिलेशन है? गुईचन कहता है, तुम्हें इससे क्या? वो कहती है, तुम्हारा और चूजी का कोई फ्यूचर नहीं है तो बेटर होगा गिव अप कर दो। गुईचन कहता है, अगर चूजी की बात ना होती तो तुम्हारी यहाँ मेरे खड़े होकर मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। लूसिंग और शिकी को ये साथ देख चूजी सोचती है, लगता है मेन हीरो हीरोइन की स्टोरी नहीं बन रही, हीरो हीरोइन की सपोर्टिंग लीड्स के साथ स्टोरी बनेगी। लूसिंग कहता है, शिकी मैंने सुना तुम फायर हो गई हो, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। शिकी सोचती है, क्या ये सपोर्टिंग रोल की लव स्टोरी है? तभी लूसिंग कहता है, तुम अपने साथ चूजी को भी ले आओ, वो तुम्हारी बात मान के जरूर कंपनी में वापस आ जाएगी। चूजी सोचती है, चलो इन दोनों की लव स्टोरी तो बनी जाएगी, पर इस हैंग का क्या, हो सकता है इसे पता ही नहीं हो प्यार क्या होता है। हैंग सोचता है, क्या मुझे चूजी से लव हो गया? वो सोचती है, शुक्र है सबकी लव स्टोरी बन गई। तभी जोंगी उसके लिए पानी लेके आता है, मुझे नहीं पता था तुम और मिस्टर को कपल हो, अब हमारा कोई चांस नहीं है, मुझे तुम कितनी पसंद हो। वो कहती है, मुझे भी तुम पसंद हो पर अब हमारा कोई चांस नहीं है, मैं मिस्टर को गुस्सा नहीं दिला सकती पर अगर किसी दिन उसने मुझे डंप कर दिया तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जोंगी खुश होकर हाँ करता है बट वो पीती है तो उसे फंदा लग गया था, उसके पीछे जाने लगा था। किंग कहती है, उसे छोड़ दे वो इनोसेंट है। जोंगी कहता है, तुम्हें पता नहीं उस लड़की की सच्चाई, वो टू फेस गर्ल है, एक दिन मैं उसका सर सबके सामने लाऊंगा। तभी उन्हें ऊपर से चूजी की आवाज आती है तो सबके सब भाग के आते हैं। किंग भाग कर जाकर उसे उठाती है, वो गिरी पड़ी थी, इनफेक्ट वो अल्कोहल की वजह से टल्ली हो गई थी और बड़बड़ा रही थी कि मैं तुम दोनों की लव स्टोरी जरूर बनाऊंगी और मुझे किसी के प्यार में नहीं पड़ना। फिर जब वो नेक्स्ट उठ के आती है तो सब लोग गायब, क्या सब चले गए, क्या वो मेरा सपना था? और लूसिंग से कहती है, तुम्हारा मतलब कल मैंने टल्ली होके तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया था? नो वे, लूसिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? चूजी कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारे लिए बेस्ट असिस्टेंट है। लूसिंग कहता है, शिकी मैंने उसे भी पूछा है पर वो बोल रही है अगर तुम नहीं आओगी तो वो भी नहीं आएगी। चूजी सोचती है, लगता है इसे शिकी से प्यार हो रहा है, और कहती है, फिर तो मैं जरूर चलूंगी। चूजी खुश हो रही थी कि लूसिंग शिकी को सिखा रहा है, ऐसे उन दोनों की लव स्टोरी बन जाएगी, पर उसके जाते ही लूसिंग तो शिकी की तरफ ध्यान भी नहीं देता। गुईचन उसे अपने ऑफिस में ले आया था, तुम सुबह से कंपनी में काम कर रही हो पर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो सोचती है, पता नहीं लूसिंग और शिकी में क्या चल रहा होगा, और कहती है, मैं लूसिंग से मिलने जा रही हूँ। वो कहता है, जब देखो लूसिंग लूसिंग लूसिंग, क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वो कहती है, मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, जाने लगी थी, बट वो उसे गुस्से से गोद में उठा लेता है और सोफे पर टक देता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती, अगर तुम्हें किसी और के लिए फीलिंग्स हुई ना तो मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है, ओके कहीं नहीं जाऊंगी। गुईचन कहता है, ओके मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, और असिस्टेंट को इशारा करता है, यानी वो ये सब नाटक कर रहा था, तो उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है और देखते देखते सो गया था। पर चूजी तो सोने का नाटक कर रही थी और वहाँ से उठ के भाग जाती है। अपने घर पे ड्रिंक कर रही थी, उसे असिस्टेंट को कॉल आता है, क्या बॉस आपके साथ है? वो कहती है, मेरे साथ क्यों, तेरे साथ होगा ना? असिस्टेंट बताता है कि मैं तो वहाँ से चला गया था क्योंकि आप दोनों साथ में थे। वो कहती है, तो वो कंपनी में होगा, जाकर ले आओ। असिस्टेंट कहता है, पर सीईओ का ऑफिस तो लॉक है। वो सोचती है, लॉक? मैंने तो स्टोरी में लिखा था कि मेल लीड को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और जल्दी से भागती है। गुईचन की आइस खुलती है, ये फिर से भाग गई। तभी चूजी का फोन आता है, तुम कहाँ पर हो? वो बताता है कि मैं अभी कंपनी में ही हूँ, अभी उठ के आ रहा हूँ। कहती है, हिलना मत। तो कहता है, क्यों, तुम मुझे लेने आ रही हो? चूजी कहती है, देखो मैं मजाक नहीं कर रही, हिलना मत। बट वो गेट खोलने लगता है जो खुली नहीं रहा था, और फिर अचानक उसका दम घुटने लगा था और सर चकराने लगा था, बेहोश। चूजी चिल्ला रही थी, गुईचन, और भाग के गेट खोलने का ट्राई करती है, क्या तुम होश में हो? तो गेट खोलने के हथौड़ा ले आई थी,
कि बस इसकी वजह से तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, और गेट तोड़ के उसे उठा लेती है। क्या तुम ठीक हो? वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था जूसी तुम सच में आ गई, फिर वो उसे घर ले आई थी। अब ये ठीक है तो मैं जा रही हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहीं मैं चना मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो कहती है डॉक्टर के पास जाओ ना। फिर वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ। वो कहती तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। देखती असिस्टेंट गायब, तो कहता है देखो अब सिर्फ तुम ही बची हो मेरे ध्यान रखने के लिए। और दर्द होने का नाटक करता है, तो कहती है मैं खाना लेकर आती हूँ। और वो मजे से स्माइल करता हुआ लेट जाता है और फिर सूप की खुशबू से उठ जाता है। लूसी ये तो तुम यहाँ? लूसिंग कहता है उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। गुलशन कहता है तुझे मेरे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। लूसिंग कहता है क्यों तेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा? गुलशन कहता है मेरे कोई सिर में दर्द नहीं है। चूजी पीछे से निकलती है, यानी तुम सब नाटक कर रहे थे। गुलशन उन दोनों को देख कहता है तुम दोनों मेरा पोपट बना रहे थे। मैंने शीयु कंपनी में रुकने दिया, क्या तुम मेरे लिए एक रात नहीं रुक सकती यहाँ पे? तुम्हारी वजह से मेरी हालत हो गई, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? लूसिंग कहता है इसकी बात पे ध्यान मत दो। चूजी कहती है ओके मैं यहीं रुकूंगी। फिर लूसिंग उसकी मुंडी पकड़ के घुमा रहा था और चूजी फोन चला रही थी। लूसिंग कहता है उसे यहाँ रुकने को कहा है, तेरा ध्यान रखने को नहीं, क्या तुम मेरी केयर से सेटिस्फाई नहीं हुआ? गुस्सा चिल्लाता है लूसिंग धीरे कर, बहुत दर्द हो रहा है। मॉर्निंग में चूजी को आवाजें आ रही थी तो गुस्से से उठ के आती है, क्यों शोर मचा रहे हो? और दोनों ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तो कहती है मैं सपना देख रही हूँ और भाग जाती है। किचन कहता है तू सुबह से बना रहा है पर उसने खाया भी नहीं। लूसिंग कहता है उसने तुझे भी भाव नहीं दिया। लूसिंग कहता है मुझे क्या बोल रहा है, उसने तुझे भी भाव नहीं दिया। फिर वो आती है तो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो बाहर जाने लगी थी पर गुलशन उसने अपना ब्लेजर उड़ा देता है, बाहर ठंड है, पर लूसिंग आकर उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। बट वो उनसे परेशान हो गई थी क्योंकि वो दोनों गुशी ग्रुप में भी उसके दो पीछे पीछे, तो कहती है समझ में नहीं आ रहा ये दोनों मुझे लाइक करते हैं या इन्हें एक दूसरे की परवाह है। फिर वो दोनों एक साथ उसके लिए कॉफी ले आए थे तो गुस्से से कहती है मुझे कॉफी नहीं पीनी, तुम दोनों को कोई काम धाम नहीं है क्या? और चली जाती है। बट शीकी गुस्से में थी क्योंकि जो अटेंशन उसे मिलनी थी वो सब चूजी को मिल रही है। फिर वो जब छत पे थी उसे मार के बेहोश कर देती है और किडनैप कर लाई थी। चूजी कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, सब मिल जाएंगे। बट शीकी उसे खाना खिलाने लगी थी तो सोचती है कैसा किडनैपर है, मुझे खाना भी खिला रहा है। बट शीकी फिर से उसके मुंह पे टेप लगाकर चली गई थी, पर चूजी के पास चाकू था तो बच के भागने लगी थी। शीकी को देख कहती है जल्दी चलो यहाँ बहुत खतरा है। शीकी ने उसे फिर से बांध लिया था तो पूछती है तुमने मुझे किडनैप किया पर क्यों? तो कहती है क्योंकि तूने मेरी लाइफ चुराई है। चूजी हैरान, तुझे पता है तू फीमेल लीड है? शीकी कहती है हाँ क्योंकि सिर्फ तू अकेली मिशन पे नहीं आई, तुझे तो फर्स्ट चैप्टर में गायब हो जाना चाहिए था पर तू यहाँ तक पहुँच गई, सारे मेल लीड्स का दिल जीत लिया। चूजी कहती है मैं तो खुद मेल लीड्स के पैर में नहीं पड़ना चाहती। शीकी कहती है झूठ मत बोल, तू मेरा मिशन खराब कर रही है, मुझे गुलशन और लूसिंग को जीतना पड़ेगा तभी मैं रियल वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगी। पर चिंता मत कर तुझे कोई हार्म नहीं करूंगी, जब तक तू यहाँ शांत बैठी रहेगी मिशन कंप्लीट होते तुझे छोड़ दूंगी। एक तो राइटर ने ऐसी स्टोरी लिखी है, पहले हीरो मेरी किडनी लेगा और फिर ब्लड और फिर मेरा दिल। चूजी कहती है मैं ऐसी स्टोरी लिखना नहीं चाहती थी पर एडिटर्स ने बोला कि ऐसी स्टोरी भी व्यूज आते हैं। शीकी कहती है अच्छा तू ही राइटर है, जो भी बोल मैं तुझे जाने दूंगी। चूजी कहती है सही में फिर तो अच्छा है, पर मुझे किसी और के हाथ से खाने की आदत नहीं है, मुझे कोई अच्छा सा घर दिला दे जिसकी चाबी तेरे पास हो, मैं कहीं नहीं भागूंगी, बस फोन और लैपटॉप दे देना ताकि मैं लवली स्क्रीन के वीडियोस और ड्रामास देखती रहूं। पर शीकी को उसकी बात पे यकीन नहीं था, इधर ये सब परेशान थे। किंगा की बताती है कि चूजी गायब है, कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम? गुलशन कहता है मैं लूसिंग के साथ चूजी के घर गया था पर उसकी मॉम ने बोला कि चूजी ने मैसेज भेजा है कि वो कुछ महीनों के लिए फॉरेन गई है, मैंने चेकिंग की पर उसका कोई ट्रैवलिंग रिकॉर्ड नहीं है। चोंगी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। शीकी देखती है कि वो सब उसके घर के बाहर तो पूछती है तूने ना बुलाया है? चूजी कहती है नहीं, तो कहती है फिर इन्हें कैसे पता चला? और चूजी को पकड़ के लेके जाने वाली थी पर गुलशन के गेट तोड़ने पे सब अंदर आ जाते हैं। तो अच्छा इस सब के पीछे तुम हो, तुमने शीकी को घेर लिया था और असिस्टेंट उसे रस्से से बांधने वाला था। चूजी कहती रुको, वो पूछता है क्यों इसने तुम्हें किडनैप किया था? कहती है किसने कहा इसने मुझे किडनैप किया था, हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा पिछली बार किडनैप हो गया था ना तो मैं शीकी किडनैपिंग का सिमुलेशन कर रहे थे कि मैं किडनैपिंग के टाइम पे भागूंगी कैसे, है ना शीकी? शीकी भी हाँ करती है। फिर शीकी उससे पूछते है तूने मेरी हेल्प क्यों की? तो चूजी बताती है कि मुझे अपना मिशन कंप्लीट नहीं करना, मुझे किसी प्यार में नहीं पड़ना बल्कि मैं तो तेरी हेल्प करूंगी। शीकी कहती है मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसी स्टोरी हमेशा क्यों बनती है, हमेशा फीमेल लीड को मेल लीड पे रिलाई करना पड़ता है। चूजी कहती है ऐसा नहीं है, मैं राइटर हूँ, मुझे पता है फीमेल लीड्स को मेल लीड्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना मैं स्टोरी बन सकती है। शीकी कहती है ओके मैं तुझे मेल लीड से बचने में हेल्प करूंगी और तू मेरी मेरे करियर में हेल्प करना। फिर शीकी उसे अपने साथ पकड़ के लाती है, अब तू मेरी हेल्प करेगी तो मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। पता है सबसे ज्यादा मेल लीड्स को कौन सी लड़की पसंद नहीं होती? कहती है सेकंड फीमेल लीड। शीकी कहती वही तो, अब तुझे अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा तभी वो लोग तुझसे डर के भागेंगे। फिर क्या चूजी पूरी तरह से अपना लुक चेंज कर लेती है
देखती है वो दोनों उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, तो जानबूझकर उनकी तरफ चल के आती है। हील टूटने से वो गिरने वाली थी तो गुलशन उसे पकड़ लेता है और गोद में उठाकर ले गया था। लूजिंग हैरान ये सब चल क्या रहा है। गुलशन उसे पकड़ के सोफे बिठाता है पर उसकी टाई पकड़ लेती है। क्या तुम्हें आज मुझ में कुछ अलग नहीं लगा? बट वो टाई छुड़ा के उसकी मेडिसिन लगाने लगा था। वो फिर से उसके क्लोज होने की कोशिश करती है पर वो उसे दूर करके उसके मेडिसिन लगाने लगता है। तो वो सोचती है अगर मैं इस पे जानबूझ के गिरने का नाटक करूंगी तो ये पक्का मुझसे नफरत करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय कल गुलशन के साइड लेने आई थी तो जानबूझ के भाग के उसे टकरा के गिर जाती है और एम्प्लॉय पे आरोप लगाती है तूने मुझे गिराया है। गुलशन उस एम्प्लॉय कल को बाहर भेज देता है तो कहती है गुलशन मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी उसने मुझे गिरा दिया। वो कहता है तुम ये क्या नाटक कर रही हो, क्लियरली पता चला है तुम खुद गिरी हो और उसकी हेल्प नहीं करता। तो वो बड़ा खुश होती है काम कर रहा है तो वो उसे बाहर भेज देता है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ तो कहता है कुछ नहीं बस मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। असिस्टेंट कहता है आपको चूजी कितनी फिक्र है जैसे आपको हारने का डर हो। गुलशन कहता है सही कहा, जब भी लूजिंग उसके क्लोज होता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहता है इसका मतलब आपको, वो कहता है सही कहा इसका मतलब मैं लूजिंग से बहुत नफरत करता हूँ। तभी मैं सोचूं मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही थी। तो असिस्टेंट हैरान इधर चूजी को देख लूजिंग उसे शूज देने लगा था पहनने के लिए, बट वो सोचती है मुझे गुंडे की तरह नाटक करना है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से पहनाओ। तो लूजिंग शूज पहन के चला गया था तो वो ऋषि की खुश होती है कि प्लान काम कर रहा है। असिस्टेंट लूजिंग से पूछता है तुम्हारा फेस रेड क्यों है, पूरी बात बताता है। तो असिस्टेंट कहता है आपको पता है कि एक लड़की एक लड़के को अपना शूज पहनाने को कब कहती है, इसका मतलब ये है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको टेस्ट कर रही है, पक्का आपको बहुत लाइक करती होगी, जहाँ तक मुझे पता है आप भी उसे लाइक करते हो। बॉस की चिंता मत करो वो चूजी को लाइक नहीं करता। चूजी हैरान गुलशन ने मुझे डेट पे बुलाया है उसे तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। शिकी कहती है तुझे तो डेट के लिए लूजिंग ही पूछा है। तो और भी ज्यादा हैरान दोनों ने मुझे डेट के लिए पूछा है। शिकी और चूजी फिर से प्लान बनाती है और अपना लुक चेंज करती है। उसके न्यू लुक को देख जोंगी एकदम हैरान। शिकी कहती है पहले जोंगी पे ट्राई करते हैं, पर जैसे वो बात करते जोंगी शर्मा के भाग जाता है। तो कहती है लगता है हम सही डायरेक्शन में हैं। जोंगी असिस्टेंट से पूछता है मेरा एक फ्रेंड है वो एक लड़की को डिसलाइक करता है, डिसलाइक नहीं मतलब एक लड़की को जानता है जो डबल फेस है, पर आज उससे वो लड़की थोड़ी अलग लगी बहुत क्यूट। असिस्टेंट कहता है ऐसा जरूर लव की वजह से हो रहा है। जोंगी एकदम हैरान लव। इधर बेचारी चूजी की हालत खराब थी क्योंकि सबके सब बॉयज उसे मैसेज कर रहे थे। गुलशन को फोन आता है तुम पहुंच गई मैं भी आ रहा हूँ, पर देखता है उसके साथ तो सब लोग हैं। वो कहती है चलो सब साथ में खाते हैं, पर उसके लाए हुए स्ट्रीट फूड की वजह से वो चारों अपनी नाक बंद करके बैठे थे। चूजी कहती है गुलशन इसे ट्राई करो, पर उसे छीन के हैंग खाने लगता है। ये देख लूजिंग उसे छीन के खाने लगता है। गुलशन कहता है छोड़ इसे और उसे छीन के खुद खाने लगा था। चूजी का प्लान फ्लॉप हो रहा था इसलिए उठ के चली जाती है। लूजिंग शिकी से कहता है मैं तुम्हें न्यू प्रोडक्ट की डिजाइनर बना दूंगा पर तुम्हें उसके लिए मेरे काम करना होगा। तो वो मान जाती है। जब वो चारों स्विमिंग पूल के पास आ रहे थे शिकी भी चूजी को वहां ले आती है। चूजी टॉवल में मुंह छुपा के भाग रही थी पर गुलशन से टकरा जाती है जो उसे पकड़ लेता है। फिर से लूजिंग से मिलने जा रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो मैं तुम उससे नहीं मिलने दूंगा। वो सोचती है ये ओवरबियरिंग बॉस फिर से स्टार्ट हो गया, मैं किसी को हम दोनों का साथ में नहीं देखने दूंगी। और उसके बोलने से पहले ही और उसे अपने साथ टॉवल में छुपा लेती है। वो कुछ बोलने वाला था तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, बट गुलशन की तो धड़कने बढ़ रही थी जबकि वो खुद टॉवल से निकल के भाग जाती है। जोंगी बेटा फूल की पत्तियां तोड़ रहा था मैं प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, पर जैसे उसके सामने चूजी निकलती है उसे देखते रह गया था। लूजिंग को तो एक चूजी जाने लगी थी बट वो पकड़ लेता है क्या तुम उसे डरती हो। तो सोचती है तुमसे डर नहीं लगता, डर लगता है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। वो जाने लगी थी पर लूजिंग कहता है आई लाइक यू। तभी गुलशन आता है लूजिंग तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। वो कहती तुम क्यों आए हो, बट वो उसे पकड़ लेता है। लूजिंग कहता है तू इसे लव नहीं करता तो छोड़ क्यों नहीं देता। गुलशन कहता है किसने कहा मैं इसे लव नहीं करता, ये मेरी गर्लफ्रेंड है मैं इसे लव करता हूँ। लूजिंग उसे अपनी तरफ छीन लेता है पर गुलशन अपनी तरफ, दोनों में फाइट होने लगी थी पर लूजिंग बीच में से हट जाती है। तेरी मेरी तुम लोगों ने क्या लड़की को चीज समझ रखा है, और गुलशन को पूल में फेंक के भाग जाती है। गुलशन चिल्ला रहा था पर लूजिंग उस पर हंस रहा था। जोंगी बेटा अभी भी फूल की पत्तियां गिन रहा था, जैसे उसके सामने से चूजी स्माइल करती हुई भागती है तो सोचता है ये मेरी किस्मत है मुझे उसके प्यार में पड़ ही जाना है। चूजी शिकी को बताती है कि लूजिंग ने मुझे कन्फेस कर दिया, साथ में गुलशन भी था, मुझे लगा था वो नफरत करेंगे मुझसे, पर लगता है नॉवल का सिस्टम उन दोनों को ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है। और फिर उठ के जाते हुए तो वो फिसलने लगी थी तो लूजिंग आके उसे पकड़ लेता है और उसे बिठा के पूछता है तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं हो रहा, मैंने जो भी बोला उसके बारे में मैं सोचने के लिए तुम्हें टाइम देता हूँ। चूजी कुछ बोलने वाली थी पर शिकी उसे याद दिलाती है कि उसने तेरा हाथ पकड़ रखा है। वो हाथ छुड़ा के उसे धक्का मार देती है और कहती है ये सब नॉवल सिस्टम का करा धरा है। शिकी कहती है गलती मेरी है, मैं लूजिंग के कहने पे तुझे यहाँ लेके आई क्योंकि उसने मुझे करियर की धमकी दी थी, मुझे क्या पता था वो तुझे कन्फेस कर देगा।
चूसी कहती है, तुम छोड़ो, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम ना भी कुछ करती तो नॉवल सिस्टम जरूर कोई ना कोई चांस ढूंढेगा हमें मैच करने का। शिकी कहती है, यानी रिलेशनशिप तेरी डेस्टिनी में है। चूसी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। वेट, जब तू मेरे साथ ही रोमांटिक सीन होने से बच गया तो तुझे मुझसे अलग नहीं होना है। नेक्स्ट डे चूसी कहती है, शिकी अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे गलत फीलिंग आ रही है। जैसे गुजर आता वो उसे देखती रह गई थी और पकड़ के कोने में ले आती है, उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। उसके क्लोज होकर किस करने लगा था तो वो भी चुपचाप किसके लिए तैयार थी, पर तभी शिकी आ जाती है तो गुजरन को किस देने की बजाय थप्पड़ मार के भाग जाती है। फिर जब वो काम कर रही थी, गुजरन उसके पास आता है तो मना कर देती है और शिकी का हाथ पकड़ लेती है और वो चला जाता है। चूसी को खांसता देख शिकी कहती है, लगता थी तबीयत खराब है, घर चली जा। वो कहती, बिल्कुल नहीं, वहाँ तू मेरे साथ नहीं होगी तो कुछ गलत हो जाएगा। फिर लूजिंग शिकी को सैंपल के लिए बुला के ले जाता है। चूसी कहती, तू जा, जोंगी को मैं संभाल लूंगी, इसने मुझे कन्फेस नहीं किया। पर उसे खांसता देख जोंगी उसके लिए टीले के आता है और उसका फीवर चेक करने लगा था, पर वो उसे देखने लग जाती है। इतने में लूजिंग और शिकी आकर उसे होश में लाते हैं। लूजिंग कहता है, शिकी और चूसी मेरे साथ चलो। जोंगी पूछता, और मैं? बट वो उसके टी रखी देख कहता है, तू यही रहेगा। गुजन कहता है, 5 घंटे हो गए, वो अभी तक आई नहीं। असिस्टेंट कहता है, आपका मतलब मिस चूसी? वो तो शिकी और लूजिंग के साथ गई है। गुजन कहता है, सिर्फ वो तीनों? टिकट बुक करो, उठ के जाने लगा था। असिस्टेंट कहता है, मैंने आपकी टिकट पहले ही मिस चूसी के साथ बुक कर दी है, टेंशन मत लो, लूजिंग के साथ सेम टाइम पर नहीं है। वो पूछता है, तुझे कैसे पता मैं जाऊंगा? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज की केयर करते हो। गुजन कहता है, बिल्कुल सही कहा। और फिर गुजन चूसी को लेने चाहता है, उसे देख के चूसी को पता नहीं क्या होता है, वो भी उसके साथ जाने लगी थी। वो जैसे उसके क्लोजों के सीट बेल्ट लगाने लगा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। फिर वो होटल में 2 रूम लेने चाहता है, पर रिसेप्शन पे जाती है, सिर्फ एक बचा है। दोनों हैरान एक रूम और एक दूसरे को देखने लगे थे। चूसी सोचती है, रोमांस नॉवल में सिर्फ एक रूम ही बचता है। वो खांसने लगी थी, वो उसकी फिक्र करता है तो कहती है, रूम बुक कर दो। गुजन हैरान और रूम बुक करने वाला था, तभी वहाँ शिकी भी लूजिंग को लेके आ जाती है और वही चूसी को होश में लाती है। चूसी कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शिकी के साथ रहूंगी। गुजन कहता है, तो मैं किसके साथ रहूंगा, अभी तो तुमने आंखी थी। वो कहती है, तुम दोनों जहाँ मर्जी रहो। तभी एक और रूम भी खाली हो जाता है, तो वो दोनों एक रूम में थे। गुजन कहता है, मुझे इसके साथ ही रूम मिलना था। लूजिंग कहता है, वो भी सेम बेड पे। दोनों पलटते हैं, पर एक दूसरे को देख फिर से पलट जाते हैं। उसने ब्लैंकेट छीन लिया था तो लूजिंग भी छीन लेता है। फिर चूसी शिकी को बताती है कि जब भी मैं उनकी आईज में देखती हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। और खांसती कहती है, तो मुझे उनकी आईज में नहीं देखना है, तभी मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाऊंगी। उसकी तबीयत खराब थी तो शिकी उसे सुलाने लगी थी। वो दोनों खड़े उसका वेट कर रहे थे और उनके पूछने पे शिकी बताती है कि शायद पूल में नहाने से चूसी की तबीयत खराब हो गई। लूजिंग उसे टच करने वाला था, पर वो गुजन के ऊपर बेहोश हो जाती है। फिर शिकी उसकी केयर करती हुई कहती है, माना कि काम इम्पोर्टेंट है, पर तू उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रेस्ट कर, कुछ नहीं होगा। उसके जाते गुजन आता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। खुद उसका ध्यान रखने लगा था, पहली लड़की हो जिसकी मैं केयर कर रहा हूँ। जब तुम भागती नहीं हो कितनी क्यूट लगती हो। फिर जब वो उठती है तो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा था। वो उसके हाथ पे चोट का निशान दे कहती है, ये सूप तुमने बनाया है? वो कहता है, हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने किसी लड़की के लिए सूप बनाया है। चूसी कहती है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है जब मैं बीमार हूँ कोई मेरी केयर कर रहा है, और फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे लिए सूप बनाया है। उसे देखने लगा था, तभी शिकिया चाहती है तो कहता है, जल्दी ठीक हो जाओ वरना तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। उसके जाने के बाद कहती है, लगता है वो तुम्हें सच में ट्रू लव करता है। चूसी कहती, नहीं, वो जरूर शर्त या लूजिंग की वजह से ऐसा कर रहा है, या नॉवल सिस्टम उससे करवा रहा है। शिकी कहती है, तो मैं सूप को फेंक दूं? तो कहती है, नहीं, इसे वेस्ट मत करो। फिर शिकी रात भर बैठ के डिजाइन बनाती है, पर मॉर्निंग पता चलता है कि उसका डिजाइन गायब है। एक दूसरा डिजाइनर लड़का अपने डिजाइन दिखा रहा था। चूसी पहचान लेती है कि ये तो शिकी के डिजाइन है, बट वो लड़का कहता है कि ये मेरे डिजाइन हैं। बात गुजन तक पहुंच जाती है। चूसी ने अपनी आईज के आगे हाथ कर रखे थे ताकि आईज कॉन्टेक्ट ना हो। गुजन कहता है, ये इस लड़के की डिजाइन है। चूसी कहती, तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है? मैं प्रूफ ढूंढ के लाऊंगी। फिर वो शिकी के साथ मिलकर कचरे में डिजाइन ड्राफ्ट ढूंढ रही थी। लूजिंग और जोंगी भी आके उसकी हेल्प करने लगते हैं, और चूसी को डिजाइन ड्राफ्ट के टुकड़े मिल गए थे तो गुजन को दिखाती है, ये रहा प्रूफ। शिकी को जस्टिस लाके चूसी खुश होती है कि अब उसका अच्छे से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो पाएगा। पर लूजिंग उसे अपने साथ बुला के ले जाता है और कॉफी देता है, बट उसने अपनी आईज बंद कर रखी थी। तो वो कहता है, तुम्हें मुझे इतना इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, कुछ मत बोलो। तो कहता है, मैंने तुम्हें गुजन को जेलस करवाने के लिए कन्फेस किया था, मुझे उससे हारना बर्दाश्त नहीं है ना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, सच में अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, और तुम गुजन से हारे नहीं हो क्योंकि हम दोनों ने लव की शर्त लगाई थी, ना मैं तुम्हें लव करूंगी ना उसे लव करूंगी। और चली जाती है, पर लूजिंग सैड लग रहा था। फिर नॉवल सिस्टम के मेंबर चूसी से मिलने आती है कि तुम तो सारे मेन कैरेक्टर्स की लव लाइन खराब कर रही हो। चूसी कहती है, पर किसी पे लव फोर्स करना तो गलत है ना। तो मेंबर बताती है कि
तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना बचा है तो जल्दी लव मिशन कंप्लीट करो। पर चूजू उसकी बात को इग्नोर कर रही थी और उसे पता चलता है कि शिकी के डिजाइन ड्राफ्ट चोरी हो गए। वो पूछती है गुइशन कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि वो वैन कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में गया है। चूजी कहती वैन कंपनी, पर इस मंथ तो सिर्फ गुशी कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च था। इस वर्ल्ड में कोई भी कंपनी गुशी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती, जरूर कुछ झोलमाल है। और वो सब वैन कंपनी में भाग के आते हैं तो वैन कंपनी इसकी है। पर बॉडीगार्ड उन्हें इन्विटेशन कार्ड के अंदर नहीं जाने देते तो हैंग इन्विटेशन कार्ड ले आया था। वो अंदर जाने लगे थे, वैन कहता है इन्हें बाहर निकाल दो। वैन कहता है मैं बॉडीगार्ड से फाइट करता हूँ, तुम लोग अंदर भाग जाना। तो हैंगर असिस्टेंट बॉडीगार्ड से फाइट करने लगे थे और वो दोनों अंदर भाग जाती हैं। वो दोनों अंदर आके देखती हैं वैन कंपनी के पास तो मेरे डिजाइन ही हैं। अब हम क्या करेंगे। तभी मिस्टर वैन आ जाता है। वो कहती है तुम गुचन को नहीं जानते। तो कहता है वो गुचन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चूजी ने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। मिस्टर वैन कहता है गुशी ग्रुप जो अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में दिखाने वाले थे डिजाइन, वो अब मेरे पास है। तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ प्लैगरिज्म का प्रूफ भी नहीं है। मैं उस गुचन को कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। और वो उन्हें पकड़ने लगा था तो दोनों बच्चे आती हैं। वो सीसीटीवी की तरफ देखती है तो कहता है ये बंद पड़ा है, मैं पागल नहीं हूँ सबूत छोड़ूंगा। और उनका रिकॉर्डिंग वाला फोन छीन के तोड़ देता है। पर चूजी स्माइल कर रही थी और तभी वहाँ पर हैंग और गुचन और रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो मिस्टर वैन को घेर लेते हैं। तुमने प्लैगरिज्म किया है। कहती है मैं किसने कहा कि सीसीटीवी बंद पड़ा है। तुमने भले ही बंद करवा दिया था पर मैंने अंदर आने से पहले गुचन को रिपोर्ट कर दिया था, उसने सब कुछ ऑन करवा दिया, अब तो बर्बाद हो गया। और चले जाते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक कर रही थी। शिक कहती है तुझमें कुछ तो बात है। चूजी कहती है अफकोर्स मैं राइटर हूँ, पता है गुंडे हमेशा क्यों पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं। अब बस कुछ दिन ही रह गए। शिकी कहती है मैं अपने सपोर्टिंग लीड का मिशन कम्प्लीट करके वापस चली जाऊंगी। तुम क्या करोगी। चूजी कहती पता नहीं और ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट डे वो कंपनी आती हुई शिकी को थैंक यू करती है कि तुम मुझे घर छोड़ के आई थी। बट रिसेप्शनिस्ट तुम्हें बताती है कि तुम दोनों फायर्ड हो गई। वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे गुचन से बात करनी है। पर दोनों की दोनों बाहर। शिकी बताती है कि मैं नहीं गुचन तुझे घर छोड़ने गया था। इनफैक्ट शिकी तो ड्रिंक करके सो गई थी पर टल्ली चूजी ने गुचन को कॉल कर दिया था। वो आता है और असिस्टेंट को शिकी को घर छोड़ के आने को बोल देता है। जैसे उसके साथ बैठता है शिकी कहती है चूजी तूने मेरी कितनी बार हेल्प की है, अब मैं तेरी हेल्प करूंगी। और उसे हक्कर लेती है। वो स्माइल करता हुआ उसे गोद में उठाकर घर लेके आता है। चूजी कहती है मुझे नहीं जाना, जब तक गुचन नहीं आया मेरे पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब कुछ उस गुचन की वजह से हो रहा है। अच्छा होता मैं उसे मिली ना होती तो मुझे इतना मेहनत में करनी पड़ती। वो पूछता है क्या तुम सच में गुचन से इतनी नफरत करती हो। वो कहती है हाँ बहुत ज्यादा। तो गुचन उसे सुलाकर चला जाता है। बट वो बड़बड़ा रही थी मैं गुचन से नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। वो कहती है यानी मुझे गुचन छोड़ के आया था। कोई बात नहीं हमारा मिशन कम्प्लीट ही होगा तो इस वर्ल्ड में रहना कौन सा बुरी बात है। विकी कहती है मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मेरी रियल वर्ल्ड में फैमिली और फ्रेंड्स हैं, मुझे वापस जाना ही होगा, देख मेरा वो मतलब नहीं है। चूजी कहती है मुझे पता है मैं जरूर तेरी हेल्प करूंगी। और फिर हैंग को बुलाती है। शिकी कहती है क्या सच में किसी काम आएगा। चूजी कहती है जरूर आएगा, ये फैशन मैगजीन का एडिटर है। हैंग कहता है मैं शिकी को जॉब दिलाने में हेल्प करूंगा पर एक शर्त पे, तुम्हें एक दिन के लिए मेरे साथ रहना होगा। चूजी कहती है तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। असिस्टेंट बताता है कि मिस चूजी हैंग से मिलने गई है तो उसे फंदा लग गया था। और कहता है बस जॉब के लिए ना। असिस्टेंट कहता है हैंग ने मिस चूजी को एक दिन के लिए अपने साथ रहने को कहा है तो उसे फिर से फंदा लग गया था। क्या। असिस्टेंट कहता है उसने हाँ कर दी, दोनों डेट पर होंगे। वो कहता है और तू मुझे अब बता रहा है। असिस्टेंट कहता है पहले तो आपके यहाँ लूजिंग के साथ कॉम्पिटिशन चल रहा था पर हैंग तो सच में मिस चूजी को लाइक करता है, आपको भी उन दोनों को गुड विशेज देनी चाहिए। वो कहता है मैं उन्हें गुड विशेज क्यों दूंगा। असिस्टेंट कहता है क्योंकि आप मिस चूजी को लाइक नहीं करते हो। गुचन गुस्से में जा रहा था तो कहता है मैंने आपके लिए कार तैयार कर दी है। गुचन कहता है तुझे आजकल बहुत कुछ पता रहता है। वो कहता है यही तो सीईओ के असिस्टेंट का काम है। देन हैंग चूजी को अपने साथ लेके आया था। जब से तुमने एंगेजमेंट तोड़ी है तुम कुछ अलग बिहेव करती हो, मुझे इग्नोर करती हो। और उसका हाथ पकड़ के उसे हक्कर लेता है। प्लीज मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, इस बार तुम साथ दो, प्रॉमिस करती हो। तभी उन्हें अचानक से बॉटल की क्रश होने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखने लगे थे। इनफैक्ट गुचन जेलस हो रहा था। हैंग उसे अपने साथ साइकिल पे घुमाता है। वो कहती है तुम्हारा कहने का मतलब था साथ देना ये वाला। गुचन और असिस्टेंट साइकिल लेके उनके पीछे पीछे साइकिल चला चलाता उसे कन्फेस कर देता है। बट वो कहती है सॉरी। कहता है कोई बात नहीं तुमने मेरी हेल्प की, अब मैं शिकी की हेल्प करूंगा। गुचन सोचता है ये तुम इतना पास क्यों खड़े हैं। गुस्से से साइकिल फेंक जाता है तो असिस्टेंट उठा के ले गया था। चूजी कहती है जरूर नॉवल सिस्टम उनसे जबरदस्ती कन्फेस करवा रहा है। तभी उसे शिकी को कॉल आता है, नॉवल सिस्टम का मेंबर यहाँ आया था। और फिर वो उसे बताती है कि उसने मुझे बताया अगर हमने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के।
चूजी कहती है अब हम क्या करेंगे। शिकी कहती है मैंने गुशन को बुलाया है और उसे बताया कि तुम उसे बहुत लव करती हो, हमारे पास एक रास्ता है, कोई ऑप्शन नहीं था। चूजी कहती है तो तुम मुझे धोखा देगी। कहती है बस करियर के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया है। कहानी हमारे कंट्रोल में नहीं है पर तेरे इमोशंस कंट्रोल में तो है ना, तुझे कौन सा सच में गुशन से प्यार हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च कंप्लीट होगा तू वापस आ जाना। चूजी कहती है मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। पर नेक्स्ट सीन में गुशी ग्रुप में खड़ी थी। गुशन कहता है क्या सच में इसने ऐसा कहा। शिकी उसे आगे करती है तो वो कहती है हाँ। असिस्टेंट शिकी को बाहर करके गेट बंद कर देता है। वो कहता है तुम मुझे लाइक करती हो पर मेरे पास नहीं आके बताया, हैंग के पास चली गई तुम। वो कहती है मुझे तुम्हें देखने में शर्म आती थी। वो कहता है जब तुम उसके साथ साइकिल चला रही थी तब डर नहीं लग रहा था। तो कहती है मुझे डर था कि तुम मुझसे इतने बेटर हो, मैं तो बस तुम्हारी एक्स फियांसे हूँ जिसने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ती थी और हमने शर्त लगाई थी अगर मैंने हाँ करती तो मैं तो लूजर बन जाऊंगी ना, तुमसे लास्ट कनेक्शन भी तोड़ लेती। वो कहता है तुम प्रूव कैसे करोगी तुम मुझे लाइक करती हो। मैं चूजे गुस्से चाह रही थी मैं उसे कुछ प्रूव नहीं करने वाली। शिकी उसे मनाने की कोशिश करती है बट वो मना कर देती है। असिस्टेंट का फोन आता है तो कहती है मैं नहीं वापस आने वाली। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गु को कुछ हो गया। वो कहती है मुझे पागल मत बनाओ मैं स्ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली। असिस्टेंट कहता है बॉस को मिस्टर वैन ने पकड़ लिया। तो वह हैरान गुशन को वैन ने रस्सियों से बांध रखा था, आज तू मरेगा कोई अंतिम इच्छा। गुशन कहता है जो करना है जल्दी कर अगर मैं बच गया तो नहीं बच पाएगा। वैन कहता है तू मुझे धमका रहा है कोई तुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, तुझे इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकता हूँ, तेरे बाद तेरी उस गर्लफ्रेंड चूजी को पकड़ूंगा। तभी चूजी उसके सिर पे डंडा मार के बेहोश कर देती है और उसकी रस्सी खोलने लगी थी। वो कहता है तुमने मुझे फिर से बचा लिया। वो कहती है रोमांटिक फीलिंग्स को बाद में देखना लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी, असिस्टेंट ने उल्टी सीधी रस्सी पेट के जाने लगा था। बॉस मैं कार लेके आता हूँ। पर वैन चाकू लेके आ गया था। उसे कहती है असिस्टेंट ने इसे सही से बांधा नहीं था। वो डंडा उठा के वैन को खूब धोती है और उसे मार के गुशन को लेके भागने लगी थी। दोनों बचते हुए जंगल में आ गए थे। गुशन की खराब कंडीशन देख कहती है तुम वेट करो मैं किसकी हेल्प लेने जाती हूँ। फिसल के गिरने वाली थी तो गुशन उसे पकड़ लेता है और दोनों साथ में भुड़क जाते हैं और सिर ठुकने से बेहोश हो गए थे। फिर जब उसे होश आता है तो कहती है गुशन उठो मैं लेट मर नहीं सकता। तभी गुशन उठता है कौन हो तुम। वो कहती है नो वे इतना मेलो ड्रामा। और उसे पकड़ के लेके जा रही थी क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर वो काफी परेशान थी कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी गुशन उसके लिए कुछ लेके आता है। ग्लो वॉर्म को देख वो स्माइल करने लगी थी तुम ये मेरे लिए पकड़ के लाए थे। फिर बाकी लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। शिकी आती काफी टाइम हो गया तुम सबको जाना चाहिए। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं आपको ले चलूं। गुशन कहता है मैं अजनबियों के साथ नहीं जाऊंगा। लूसिंग कहता है ये सच में फूल है। असिस्टेंट कहता है डॉक्टर ने चेकअप करके बताया है कि बॉस के सिर पे गहरी चोट लगी है उनकी याददाश्त चली गई। बट गुशन असिस्टेंट का हाथ छोड़ के चूजी का हाथ पकड़ लेता है। अब लोग घूरते हैं। लूसिंग कहता है कहीं इसका फायदा तो नहीं उठा रहा। असिस्टेंट कहता है डॉक्टर ने कहा है पेशेंट के सिर में चोट लगी है तो उसकी हर बात माननी पड़ेगी वरना कंडीशन बिगड़ सकती है। गुशन कहता है तुमने सुना इस वर्ल्ड में मेरे पास सिर्फ तुम हो। चूजी असिस्टेंट से कहती है क्या मैं इसे फिर से नॉकआउट कर दूं। असिस्टेंट कहता है नॉकआउट बिल्कुल नहीं, अगर बॉस के दोबारा सिर में चोट लगी तो उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है। किंग कहती है तो हम सब भी यहीं रहेंगे। असिस्टेंट कहता है बिल्कुल नहीं, पेशेंट के आसपास शांति होनी चाहिए भीड़ नहीं। चूजी कहती है तुम लोग जाओ ये मेरी वजह से जख्मी हुआ है मैं इसका ध्यान रखूंगी, इसकी जो हालत है ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। इशारा करते हैं तो वो हाथ छुड़ा लेती है उससे। शिकी कहती क्यों ना इसे बोलकर मुझे दोबारा से गुशी ग्रुप में जॉब दिलाते। वो कहती है तुझे काम के अलावा कुछ और नहीं सोचता, तुम सब लोग चिंता ना करो मैं इसका ध्यान रख लूंगी। वैसे उस वैन का क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है उसे पुलिस पकड़ के ले गई, वो सो रहा था। चूजी कहती है इसकी याददाश्त सच में गई है या नहीं, ये मुझे अपने साथ के रूम में सुला रहा है। अचड़ाने लगी थी बट वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। अच्छा वो तुम ठीक हो। सोचती है अगर मैं स्टोरी में गड़बड़ नहीं करती गुशन का किडनैप भी नहीं होता और इतना हर्ट भी नहीं होता, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और उसके लिए पानी लेने चाहती है। वो कहता है ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई। और गेट खोलता है तो वो गेट पे खड़ी थी। सोचती है मैं इसे इस प्रॉब्लम में अकेला भी नहीं छोड़ के जा सकती। और कहती है कुछ नहीं। गुशन कहता है मुझे लगा तुम फिर से खो जाओगी। वो कहती है तुम्हें याद है यानी तुम्हारी याददाश्त नहीं गई। वो कहता है अगर ये बात होती तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाती। वो कहती है हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है और तुम ठीक हो तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। वो कहता है क्या तुम मुझे घर से बाहर निकालने के लिए इतनी उतावली हो, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो कहती है डॉक्टर तुम्हारा ध्यान रख लेंगे मैं सिस्टर कॉल करती हूँ। वो रोके कहता है मैं मानता हूँ मैं हार गया मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्या तुम अभी मुझे जाने दोगी। वो कहती है अगर तुम्हें नहीं जाना तो यही रेस्ट करो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। वो कहता है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली, बताओ क्यों। कुछ नहीं बोलोगी ठीक है मैं चला जाता हूँ। चूजी कहती है मैं इसे लाइक नहीं करती, नो वे मैं इसके पैर में नहीं पड़ सकती, नो वे। पर वो उसे सोता हुआ देख रहा था। फिर जब उसकी आईज खुलती है तो देखती है उसके हाथ बंधे हुए हैं। गुशन मैं तुम्हारे घर पे कर रही हूँ, ये तुमने क्या किया।
और सोचती है, याद आया जब शिकी का गुचन से ब्रेकअप हो गया था तो उसने उसे ऐसे अपने घर पे बांध के रखा था। कहती है, गुचन ये गलत है, छोड़ो मुझे। बट वो उसके ऊपर लेट जाता है। अगर तुम बोलती रहोगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। वो अपना मुंह बंद कर लेती है तो कहता है, तुम डर गई? वो कहता है, मेरी बात सुनोगी या शांति से रहोगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना जब भी मैं तुम्हें देखूंगा पकड़ लूंगा। वो हाँ करती है तो वो चला जाता है। चूसी कहती है, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। और जैसे वो गुस्से से अपने हाथ उठाती है, पता चलता है उसने उसे बांध नहीं रखा था, उसके हाथ पे एप्पल लटके थे। गुचन कहता है, असिस्टेंट क्या सच में ये ट्रिक काम करेगी? वो कहता है, यस बॉस, आप बस मिस चूसी को यकीन दिला दो कि आप उसे लव करते हो, आप ये रोमांटिक नॉवल पढ़ो। तो गुचन भी सारे रोमांटिक नॉवल्स पढ़ने लग गया था। वो कहती है, तुम मुझे कब जाने दोगे? वो कहता, अगर मैं बीमार होता तो तुम रुक के मेरी केयर करती। चूसी कहती है, कहीं तुम फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे? तो वो नाटक करने लगता है बीमार होने का। असिस्टेंट कहता है, आपको बचाते टाइम बॉस की ये हालत हो गई। चूसी कहती है, ओके मैं इसका ध्यान रखूंगी। और शिकी के प्रोडक्ट लॉन्च का असिस्टेंट कहता है, मैं देख लूंगा। गुचन दर्द में होने का नाटक कर रहा था तो कहती है, सूबे तो तुम। वो कहता है, मैं वो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था, अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। चूसी उठ के भाग जाती है तो वो स्माइल करने लगा था, बट वो रूम में आके ब्लश कर रही थी। मुझे हो क्या रहा है? असिस्टेंट को बाहर खड़ा देख शिकी लूजिंग को बताती है कि चूसी कहीं भी नहीं मिल रही, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे डर है कि गुचन उसे अपने साथ ले गया, हमें कुछ करना होगा। लूजिंग कहता, तुम इसे डिस्ट्रैक्ट करना, मैं मार के बेहोश कर दूंगा। जैसे वो दोनों आके देखते हैं, गुचन चूसी के ऊपर पड़ा है। शिकी कहती, यूज कम बैक, और पैर उठा के उसके सिर पे मार के बेहोश कर देती है। बट पता चलता है वो चूजी के साथ कुछ नहीं कर रहा था, उसके बाल चूजी के कपड़ों में फंस गए थे। लूजिंग कहता है, कोई बात नहीं, मरा नहीं है ये। फिर चूजी के बताने पे शिकी कहती है, गुचन एमनीशिया होने का नाटक कर रहा था, उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? चूजी मना करती है तो कहती है, मैं अपने मिशन पे गिव अप कर दूंगी, मैं तुझे और रिस्क में नहीं डाल सकती। चूजी कहती है, डोंट वरी, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तेरा मिशन कम्प्लीट होने वाला है तो मैं तुझे गिव अप करने नहीं दे सकती, और वैसे भी जब तक मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करूंगी मेरा मिशन कम्प्लीट नहीं होगा। तभी गुचन सुन लेता है, कौन सा मिशन? तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? वो कुछ बोल नहीं रही थी तो कहता है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो कहती, तुम सच जानना चाहते हो? ओके मैं बताती हूँ। लूजिंग को बुलाओ, उसे भी सच जाने का हक है। फिर वो बताती है कि मैं रियल वर्ल्ड से नॉवल वर्ल्ड में आई हूँ, मैं ही से नॉवल की राइटर हूँ, जैसे मुझे तुम में से किसी से प्यार हो जाएगा मैं यहाँ से गायब होके रियल वर्ल्ड में चली जाऊंगी, अब समझे तुम गुलशन? वो कहता है, तो तुम स्टार्टिंग से मुझे इसलिए अवॉइड कर रही थी? जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब स्क्रिप्टेड था। वो कहती, ऐसा नहीं है। तो कहता है, मुझे क्लेस्ट्रोफोबिया है क्योंकि तुमने मुझे ऐसे डिजाइन किया है। क्या तुमने स्टार्टिंग से अब तक मुझे कभी भी लव किया है? और उसे किस कर देता है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, जाने लगा था उसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे शिकी का प्रोडक्ट लॉन्च था। चूजी लूजिंग से सॉरी बोलती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसी वर्ल्ड में रही तो मैं तुम्हारा टीचर बनने के लिए रेडी हूँ, पर अगर तुम यहाँ से चली गई तो प्लीज मुझे हैप्पी एंडिंग देना। पर वो गुचन को देख रही थी, शिकी काफी घबरा रही थी, पर वो उसे हिम्मत करके अंदर भेजती है, सब सही चल रहा है। लूजिंग कहता है, जो डिजाइन खराब करने वाला था मैंने उसे पकड़ लिया। हैंक कहता है, जो लाइट बंद करने वाला था मैंने उसे पकड़ लिया, और जोंगी भी उनके साथ मिला हुआ था। फाइनली गुशी ग्रुप के न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च कम्प्लीट होता है तो सब सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंक करके। शिकी कहती है, क्या कोई तरीका नहीं है? तुम दोनों क्लियरली एक दूसरे को बहुत लव करते हो। चूजी कहती है, जिस लव में बाद में अलग ही होना पड़े उसे कन्फेस करने का क्या फायदा, दोनों कंडीशन में वो सैड ही होगा। तभी शिकी गायब हो जाती है। वो जाके लूजिंग से पूछती है, तुमने शिकी को देखा है? बट लूजिंग को तो शिकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन शिकी? मैं उसे नहीं जानता। तो वो कहती है, यानी एक बार मिशन कम्प्लीट हो जाए सब लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। सिस्टर आकर कहता है, जैसे मिशन कम्प्लीट होगा तुम भी गायब हो जाओगी। कहती है, तुम्हें कैसे पता? यानी तुम भी नॉवल वर्ल्ड के मेंबर हो। तभी तो मुझे बार बार गुचन और लूजिंग कन्फेस कर रहे थे, तुमने उन्हें उकसाया था, और तुम अभी क्या बोल रहे थे? सिस्टर कहता है, अगर तुमने मिशन कम्प्लीट किया तो रियल वर्ल्ड में चली जाओगी, पर अगर नहीं कम्प्लीट किया तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। कहती, क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? और देखती है उसका हाथ गायब हो रहा है। क्या मुझे सच में गायब होना होगा? असिस्टेंट कहता है, हाँ और कोई रास्ता नहीं है, पर टेंशन मत लो, जैसे तुम गायब होगी सब तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे। फिर क्लास टूटने की आवाज आती है। किंग कहती है, तुम यहाँ पर हो? और असिस्टेंट के जाते उसे हक कर लेती है, तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। चूजी ख्यालों में गुम थी कि अपने हाथ पे गर्म पानी गिर लेती है। गुचन आके उसकी केयर करने लगता है, उसे देखने लगी थी तो कहता है, सॉरी मुझे एम्प्लॉयज की परवाह है ना। वो स्माइल करने लगी थी तो उसकी फिर से परवाह करने लगता है। वो कहती है, गुचन चलो साथ हो जाते हैं। उसका हाथ छोड़ने लगा था तो कहती है, क्यों नहीं हो सकते? सबको पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। सच बताऊं तो मेरे पास एक तरीका है, मेरा मिशन है कि हम दोनों को एक दूसरे को आई लव यू बोलना है, पर हम दोनों बोलेंगे ही नहीं। कहता, तुम्हें लगता है कि इतना आसान है? कहती है, ये बहुत आसान है, हम रूल्स हमेशा याद रखेंगे, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है या नहीं बनना।
सोच के बताना और जाने लगी थी तो वो उसे पीछे से अक्कर लेता है। ओके मुझे मंजूर है। फिर दोनों हाथ पकड़ के सबके सामने आते हैं, सबको बताते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर दोनों साथ में डेट पर जा रहे थे, छोटे बच्चे फ्लावर बुके लेके आती है। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को दे दो। वो बच्ची कहती है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो? बट वो कहती है मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, और चले जाते हैं। फिर वो अपने हाथों से केक खिला रही थी और किंग को भी। जेलस गुइचन कहता है तुम मेरे साथ डेट पर आई हो या इसके साथ? कहती है हम बेस्ट फ्रेंड्स को मिलना था, तुम इसी को साथ लेके आई हो? चूसी कहती है क्योंकि मुझे अपने लव और फ्रेंडशिप दोनों की परवाह है, हम साथ में माउंटेन्स पे चलेंगे। चुन कहता है तुमने तो बोला तुम थक गई हो तो रेस्ट कर लो, हमें तो पूरी लाइफ साथ में रहना है ना, इतनी जल्दी क्या है? कहती है मैं थकी नहीं हूँ। किंग कहती है गुजन अगर तुम थक गए हो तो मैं चूसी के साथ चली जाऊंगी। गुजन कॉल पिकअप करने चाहता है पर किंग देखती है कि चूसी का हाथ गायब हो रहा है तो सोचती है मैं किसी को भी खुद से चूसी को छीने नहीं दूंगी। चूसी भाग के आती है इस गुंडे ने तुम्हें मारा? कहता है इसकी गलती नहीं थी, मेरे ब्रेक फेल हो गए थे, ज्यादा चोट नहीं लगी। चूसी असिस्टेंट को पकड़ के लाती है ये सब तुमने किया है ना? वो कहता है नहीं तो। तो कहती है मुझे पागल मत बनाओ, मैंने गुइचन का कोई कारस्टन नहीं लिखा है। तभी वो आदमी गुइचन पे चाकू से हमला करने लगा था, दोनों भाग के आते हैं, असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है, पूछती है बता गुंडे तुझे किसने भेजा? असिस्टेंट खुद चाकू कर लेता है, बताएगा ये मैं निकलवाऊं। फिर वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही थी और वो उसके क्लोज हो रहा था, तभी असिस्टेंट आगे उन्हें फोटो देता है। वो दोनों हैरान, जोंगी ये नहीं हो सकता, मुझे पता है कौन है। और किंग से पूछती है तुमने जोंगी से सब करने को कहा था ना, उसे हट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बताओ क्यों किया ऐसा? किंग कहती है तुम्हारी वजह से, उस दिन मैंने सब सुन लिया था पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे गायब होने का मतलब ये है, मुझे पहली बार कोई फ्रेंड मिली है, अगर तुम उसे लव नहीं करोगी तो तुम गायब भी नहीं होगी। उसी कहती है तूने सिर्फ लास्ट की बात सुनी थी, पूरी बात नहीं, मैं उससे लव करूँ या ना करूँ एंड में मुझे जाना ही पड़ेगा, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती, तभी तो मैं तुम दोनों को एक साथ मिलती हूँ ताकि हर मिनट तुम दोनों के साथ रह सकूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद किसी को मेरे बारे में याद नहीं रहेगा, इससे तुम सैड नहीं होगी? तो किंग उसे हकड़ लेती है मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, मुझे अपने साथ कुछ और दिन रख लो। फिर क्या किंग भी उनके साथ रहने चाहती है, गुइचन उसे खाना देता है, किंग कहती है पहले मेरा खाओ, दोनों से पानी देते हैं, कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चूजी कहती है मैं दोनों का पीऊंगी। गुइचन उसे ब्लेजर उड़ाता है पर किंग उसका टाकर अपना उड़ा देती है, गुस्से में तो वो उसका भी उड़ लेती है साथ में। फिर रात में जब वो गुइचन के साथ सोने आ रही थी, किंग कहती है एक रात तुम्हारे साथ एक रात मेरे साथ, अपने साथ ले गई थी। तो गुइचन गुस्से में, असिस्टेंट गुइचन को पकड़ के लाता है, वो देखता है कि चूजी वेडिंग ड्रेस में फ्लावर बुके लेके खड़ी है। गुइचन तुम मेरे नॉवल के मेल लीड हो और अब मेरी लाइफ के भी मेल लीड बन गए हो, अनफॉर्चुनेटली हम वापस नहीं जा सकते वरना तो तुम्हें मैं पहली बार मिलते बॉयफ्रेंड बना लेती, पर अभी भी इतना लेट नहीं हुआ, मैं शर्त हार गई। और रिंग दिखाती है मुझसे शादी करोगे? वो कहता है करूंगा। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, वो कहती है अब से ऑफिशियली तुम मेरे हो, आई लव यू। गुइचन भी उसे आई लव यू बोलता है और दोनों किस करने लगे थे, तभी अचानक से चूजी गायब हो गई थी और रिंग गिर जाती है। गुइचन देखता है उसके हाथ में रिंग, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और रिंग उठा लेता है, यहाँ क्या हुआ था? पर चूजी ने उसके लिए एक लेटर लिखा था, गुइचन ये मैं हूँ, जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं तुम्हारी दुनिया से जा चुकी होंगी, अच्छा है तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए, तुम खड़ूस दिखते हो पर दिल के अच्छे हो, पर इस बार मैं पूरा श्योर हूँ मुझे तुमसे सच में लव हो गया, सॉरी पर हमारा बिछड़ना किस्मत में लिखा है, पर मुझे लगता है तुम हमेशा मुझे याद रखोगे, गुड बाय, उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। नेक्स्ट दिन में चूसी की हॉस्पिटल में आइस खुलती है, उसे एडिटर का कॉल आ रहा था कि नेक्स्ट नॉवल कब रिलीज करोगी, कर देती है तो एडिटर उसे ऑफिस में बुलाती है और डांट रही थी, बट वो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। तभी उसे किसी लड़के की आवाज आती है तो स्माइल करती बाहर आती है, क्योंकि जैसे वो पलटता है वो कोई और नहीं गुइचन निकलता है जो उसे देखने लगा था। तो आखिर रियल वर्ल्ड में भी गुइचन और चूसी मिल ही गए। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना, तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।